सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। हस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुना दलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त नबद्धिनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कस्तूरी तिलकं ललाटवटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणूकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरभावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभद्रं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे दिव्यांगभूषं भजे। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनाधिराधिर गोविंदः सर्वकारण कारणम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली भागवत भगवान की जय। भागवत जी का परिक्रमा करके लोग फ्री हैं। राज अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम अरे
क्यों ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामर कारी। वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को एक टक हो तन दर्शन, बांके बिहारी को अरे तू जप ले आठो या, अरे तू जप ले आठो या, रटेंगे राधे 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 ना, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के वल्लभादेश की जय। जे तो जो है बुलंद आवाज में बोल दिया करो, ये तो हमारे वल्लभ का जयकारा है। बोलो वल्लभाधीश की, हमारे इस प्रजानंद महोत्सव में जो ये कृष्ण कथा का हम रसपान कर रहे हैं, इसके मनोरथी परिवार आकोला परिवार से जो जुड़े हुई हैं, सुशीला बेन, सोनल बेन, गंगाबाई तापड़िया, इनका संग आवे और मंचस्थ हमारे युवा आचार्य श्री हरि राय जी महोदय श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी के साथ हमारे इस कृष्ण कथा अमृत रस के मुख्य मनोरथी श्री चिमन भाई फलदू एवं उनका परिवार, श्री दर्शन कुमार जी महोदय श्री जो कि हमें रसपान करा रहे हैं अपनी सुमधुर वाणी से, आप श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। वल्लभाधीश की, स्वागत वंदन अभिनंदन की बेला विराम लेती है।
वैष्णव, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम श्री गिरिराज महाराज की तरेटी में बैठकर और वल्लभ प्रभु की वाणी श्री सुबोधनी जी पर जो आपने श्रीमद् भागवत पर जो भाष्य किया उसका हम रसास्वादन श्री वल्लभ के द्वारा उन गुणगानों का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी महद भाग्यशाली हैं, आपके भाग्य की सराहना कहां तक की जाए। आज हो सकता है कुछ वैष्णव श्रमित हों, लेकिन फिर भी हमें तो उसी प्रकार से तत्पर रहना है जिस प्रकार से हमारे श्री गोकलेश प्रभु ने आज्ञा की है कि बजत कुंज में मंजू बांसुरी ब्रज बधु बंदी प्रेम पांसरी दौड़ चली श्री कृष्ण पासरी शरद चंद्र कीनो उजासरी। उसी प्रकार से हमारे प्रभु की वाणी का श्रवण करने के लिए हमें उसी तरह से दौड़कर आना है कि तनक दर्शन की लगी मन में कृष्ण को देखूंगी छन में, जोरावर नार चली मग में कृष्ण को देखूंगी छन में। तो बंधुओं, इसी के साथ परसों वो सुंदर दिन जब हम सभी गिरिराज पूजा का आनंद लेंगे और वही दृश्य हमारे सामने उपस्थित होगा, सब हिन के मंज सामरो सब हिन के उनिहार और ललता राधा सो कहे जो तेरे ही ये समाए और गहे उंगरिया नंद की और ढोटा पूजा खाए। बड़दन को आगे दे गिरधर गोवर्धन पूजन आवत। इसी प्रकार से हमारे दोनों युवा आचार्य परम श्रद्धे हमारे प्रात स्मरणीय वंदनीय गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री की अध्यक्षता में आपके जो है अग्रसरता में आप दोनों जो है वहां पर पधारेंगे और तीनों स्वरूप मिलकर एवं समस्त वल्लभ कुल परिवार श्री गिरिराज महाराज का पूजन करेगा। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, जब ये अवसर आते हैं, जब ये गिरिराज जी की हमारे परिक्रमा हो 84 कोस की या जो है इस प्रकार के ये प्रजानंद महोत्सव हो, उस वक्त हम भागीदार बनते हैं, तब इन सुअवसर का हमें लाभ प्राप्त होता है। तो गिरिराज के दूध चढ़ाने के निमित्त सामग्री के निमित्त जो भी वैष्णव अपनी वित्तजा सेवा पधराना चाहें कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। गिरिराज जी पर दूध चढ़ाने के लिए जो भी वैष्णव अपनी वित्तजा सेवा देना चाहें वो कार्यालय में संपर्क करें, क्योंकि परसों गिरिराज पूजन होगा। इसी के साथ पेन ड्राइव कथा की एवं इस प्रजानंद महोत्सव की जो बनी है दोनों अलग अलग है, 1500-1500 रुपया इनकी न्योछावर है। जो भी वैष्णव लेना चाहें वो कार्यालय में अपना नाम लिखा दें। इसी के साथ हमारे इस कोरोना काल में या अन्य किसी कारणवश परिजन हमें छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने यहाँ ब्रह्म संबंध लिया एवं वो हमें छोड़कर गोलोकवासी हो गए हैं,
तो उनके लिए हमारे यहाँ विधान है माला पेरावनी का। क्यों? कि जब तक माला पेरावनी नहीं होती है उन्हें वहां सेवा का अधिकार नहीं मिलता है। वो गोलोक धाम के द्वार पर ही जो है खड़े हुए प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे वंशज कब माला पेरावनी करावे और कब मैं जो है सेवा में सम्मिलित हूं। तो बंधुओं, जो भी अपने परिजनों के लिए माला पेरावनी करवाना चाहते हैं वो भी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ कल श्री यमुना जी का कुनवाड़ा है। जो भी वैष्णव यमुना जी के कुनवाड़े के निमित्त अपनी सेवा लिखवाना चाहते हैं वो कार्यालय में संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी वैष्णव जन जो कथा का श्रवण कर रहे हैं अपने साथी वैष्णवों को, अपने यात्रा में पधारे हुए वैष्णवों को जो भी प्रसादी लिवाना चाहें वो भी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। गोकुल में बड़ी बैठक, गोविंद कुंड की बैठक, गुलाल कुंड की बैठक, इन पर तपेली का जो भी वैष्णव कराने का इच्छुक हो वो भी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं और हमारे बल्लभ प्रभु के साथ हम हैं, तो क्यों ना हमारे श्री महाप्रभु जी को हम आप श्री के कर कमलों से सखड़ी अनसखड़ी महाप्रसाद का भोग लगवावें, ये भी एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है। इसी के साथ अब आपके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कृपानाथ, इन्हीं शब्दों के साथ, रहमतों के फूल बरसते हैं, रहमतों के फूल बरसते हैं जब आप श्री का दीदार होता है, रहमतों के फूल बरसते हैं जब आप श्री का दीदार होता है, और बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें श्री वल्लभ से प्यार होता है, बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें श्री वल्लभ से प्यार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में निवेदन है। बोलो वल्लभाधीश की। श्याम सुंदर श्याम ने महारानी की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभुन की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री वाक्पतये नमः।
श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री आनंदाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः बर्हापीडौ नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपीशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् गीत कीर्ति सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुनरूपं च पुनस्तदन् तरगतम् प्राविविशत्स्वप्रिय संसृष्टावुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत् साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकम् ध्येयं सदा यस्यानुकम्पावशतः सुदुर्लभम् मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकम्
गोपाल लालम शरणम प्रपद्ये गोपाल लालम शरणम गोपाल लाल प्यारे की जय। Hey.
दया राम हूँ रे हारम
श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। जिनके मंगल तरेटी में यह भगवद गुणानुवाद करने के लिए सत्संग के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जैसे हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य श्री दादाजी एवं सम उपस्थित परमादरणीय ज्येष्ठ भातृचरण, आदरणीय पुरोहितगण, सर्व आत्मीय मनोरथी परिवार और सत्संगी आप सब वैष्णव वृंद, श्रीमद् भागवत दशम स्कंध निरोध लीला और उस निरोध लीला अंतर्गत
भगवान अपने स्वरूप बल से शनि शनि ही आप निरोध सिद्ध करवा रहे हैं। प्रभु की ब्रज की लीला और उन लीलाओं के पीछे रहा हुआ रहस्य जो श्री आचार्य चरण श्री सुबोधनी जी में दर्शन करवा रहे हैं, तो श्री वल्लभ की कृपा से उन लीला रहस्यों को भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियजनों, अब मैं आप सबको और विशेष सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम ये दशम स्कंद और उसके अंतर्गत भी जैसे हमने देखा प्रमाण प्रकरण, प्रमेय, साधन और फल, प्रमाण के बाद अब प्रमेय प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है और धीरे धीरे विषय थोड़ा सा और गूढ़ार्थ से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, और उसमें हमारी विशेष सावधानी, क्योंकि कथा श्रवण के लिए प्रियजनों एकाग्रता चाहिए। उत्तम श्रोता वही है जो एकाग्रता से कथा का श्रवण करे, श्रद्धा के साथ सुने, श्रद्धा का अर्थ है सत्य को स्वीकारना, बिना किसी संशय के सत्य का स्वीकार, उसका नाम है श्रद्धा। तो उत्तम श्रोता उसका प्रथम लक्षण है श्रद्धा के साथ श्रवण करे। श्रवण के पश्चात मनन भी अति आवश्यक है। जिस प्रकार से गाय जुगाली करती है चारा खाने के बाद देर तक घंटों तक उसकी जुगाली करे, उसी प्रकार से उत्तम श्रोता भी वो है जो श्रवण करे और श्रवण के पश्चात उसका चिंतन करे, उसका मनन करे। और जितना चिंतन होगा, जितना मनन होगा, उतना ही आपको कथा का रस, वह कथा आपके लिए फलीभूत होगी। तो जिज्ञासा, सावधानी, एकाग्रता, क्योंकि अब आगे प्रमेय प्रकरण, और जैसा कि हमने गत दिवस इस बात पर चर्चा की थी कि प्रमाण प्रकरण द्वारा भगवान अपने स्वरूप महात्म ज्ञान आप करवा रहे हैं, भक्तों को अपने स्वरूप में प्रेम आसक्ति आप उनके अंदर जागृत कर रहे हैं, लेकिन वह प्रेम जागृति, प्रेम भक्ति बढ़ने में जो पंच पर्व दोष जो हैं, जो उसकी वृद्धि नहीं होने देते, अब आगे प्रमेय प्रकरण में इन दोषों के नाश की कथा का वर्णन किया गया है। और ये अविद्या का नाश होने पर विद्या का उदय स्वतः हो जाता है। विद्या भी पंच पर्वा है, वैराग्य, सांख्य, योग, तप और श्री कृष्ण भक्ति। तो यहां अब प्रमेय प्रकरण में पंच दोष की निवृत्ति और पंच पर्वा विद्या की स्थापना, उसकी कथा का यहां पर निरूपण है। ठाकुर जी की पौगंड लीला, ये पौगंड अवस्था है, जैसे सबसे पहले शिशु, बाल, किशोर, पौगंड, युवा, वृद्ध, ये सब अलग अलग अवस्थाएं, यानी जब ठाकुर जी को गौचारण करने की जब अनुमति मिली वन पधारने की, तो वो आपकी पौगंड अवस्था, वन विहार गौचारण करने के लिए आप वृंदावन में पधारे, गौचारण करते करते
अपने ग्वाल बालों को आपने 10 प्रकार के रसों का अनुभव कराया, जो श्री आचार्य चरण ने सुबोधनी में बताया है, उस विषय पे भी हमने सुबोधनी के हमने दर्शन किए थे। जब गौचारण के लिए वन में पधारे, भ्रमण करते हुए आप तालवन में पधारे और वहां तालवन में श्री ठाकुर जी ने दाऊ जी के द्वारा धेनुकासुर का संहार करवाया, उस कथा का यहां पे निरूपण किया गया है। तालवन में धेनुकासुर निवास करता, वहां के मीठे मीठे फल स्वयं ही खाता, किसी और को उसका स्पर्श नहीं करने देता। दाऊ जी के पास उस धेनुकासुर का वध करवाया। ध्यान दीजिए, ये जितने भी असुर हैं ये सब भक्त के अंदर रहे हुए दोषों के प्रतीक रूप हैं, सिंबॉलिक जिसको कहा जा सकता है। कल एक वैष्णव ने जिज्ञासा प्रकट की थी कि धेनुकासुर का वध किया और जिससे ब्रजवासियों के देहाध्यास की निवृत्ति हुई, तो वो कैसे हुआ? आचार्य चरण ने धेनुकासुर को देहाध्यास का प्रतीक बताया है। धेनु को देहाध्यास रूप आप श्री आज्ञा करते हैं। धेनुकासुर यानी वहां तालवन में एक गधा और उस के अंदर रही हुई जो आसुरी वृत्ति है, यानी देहत्व जो भाव है, जिस जीव के अंदर केवल मैं एक देह, मैं एक शरीर हूं और अपने आप को केवल एक शरीर देह मानते हुए जो इसके भरण पोषण में ही लगा हुआ है, वो मानो उस मनुष्य के अंदर रहा हुआ एक गधापन है। समान पश्वादिर्भिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः। मनुष्य और गधा देह आसक्ति के चलते दोनों के व्यवहार एक जैसे होते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे गधे को हरी हरी घास दी जाए तो वो पास में आएगा और डंडा लेके उसको प्रताड़ित किया जाए तो वो डंडा देख के भागेगा। उसी प्रकार से कोई हमारे मनुष्य की आओ भगत करे, अरे आओ 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 स्वागत करे, तो हम भी उसके पास जाएंगे और वो डंडा लेके हमारे पीछे भागे तो हम भी गधे की तरफ भागेंगे। यानी शरीर में रही हुई आसक्ति पशु समान पश्वादिर्भिः, पशु और मनुष्य में रही हुई एक समान है। जो शारीरिक आसक्ति केवल अपने आप को एक देह के रूप में देखना कि मैं एक शरीर हूं। श्री महाप्रभु जी ने आचार्य चरण के शब्दों में कहें, आप ऐसे जीवों को आसुरी प्रवाही जीव भी कहते हैं। आसुरी का मतलब क्या हुआ? जो असु में रहे, असु यानी प्राण, केवल मैं एक शरीर हूं ये मानकर ही जो जीवन जी रहा है, वो सब आसुरी जीव हैं। शरीर के कोड़ पूरे करने में लगा हुआ है, विषय पूर्ति में लगा हुआ है, वो सब आसुरी जीव हैं। तो देहाध्यास श्री आचार्य चरण देह में रहा हुआ अज्ञान, अपने आप को केवल एक देह रूप में देखना, उसको देहाध्यास कहा जाता है। और जब भगवान इन असुरों का जब उद्धार करते हैं, जब लीला करते हैं, तो लीला करते समय आप ये भाव विचार रहे हैं कि ये धेनुकासुर के वध के द्वारा मैं अपने भक्तों के उनके अंदर रहा हुआ देहाभिमान उसको मैं नष्ट कर रहा हूं। जैसे हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि जब हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो सेवा करते समय भी कुछ भाव विचार करते हैं
और वो भाव के साथ की हुई क्रिया का नाम है सेवा। उसी प्रकार से जब भगवान लीला करते हैं तो उसमें भी आप कुछ भाव विचार करते हैं कि धेनुकासुर का वध किया, कि ये अहंकार का प्रतीक है, देहाध्यास का प्रतीक है, तो इसके उद्धार के द्वारा मेरे भक्तों के अंदर रहा हुआ जो देहाध्यास है उसकी मैं निवृत्ति करता हूं। शारीरिक अहमता जिसको कहा जा सकता है, ध्यान दीजिए, अहमता कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मैं कहूं मैं एक शरीर हूं और केवल अपने आप को एक शरीर देह के रूप में देखूं तो इसको एक शारीरिक अहमता, ये मेरा शरीर और शरीर की इच्छाओं को पूर्ति करना, इसको शारीरिक अहंकार कहा जाता है, अहम। अब आप थोड़ा सा इस विषय पे और चिंतन करें तो शारीरिक अहमता जो है, अहम भाव, ये भाव तो पशु के अंदर भी हो सकता है। पशु के भी अंदर भी मैं एक देह हूं, ये अहम तो उसके अंदर भी है ही ना। और आप देखो पशु इसलिए तो वो अपने आप का पोषण करता है क्योंकि अहम भाव है, और उससे ज्यादा भी एक उसके अंदर अहंकार है, कौन सा, कि मैं एक देह नहीं अपितु एक जाति का सदस्य भी हूं। इसलिए आप देखो बंदर बंदर के साथ रहता है, घोड़े घोड़े के साथ, हाथी हाथी के साथ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदर को या वो हाथी को या वो घोड़े को भी इतनी समझ है कि मैं केवल एक शरीर नहीं अपितु एक कम्युनिटी, एक जाति का एक मेंबर भी हूं। नहीं तो घोड़ा गधे के साथ रहे, गधा हाथी के साथ रहे, लेकिन नहीं, वो समझते हैं इतनी चीज। यानी उनकी अहम भाव शरीर से भी आगे गई। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? आप बड़े बड़े पशुओं की बात छोड़ो, छोटी सी चींटी को ले लो, चींटी का उदाहरण। चींटी को आपने देखा होगा जब उसको कुछ घर में मिश्री की डली मिल जाए, फिर वो चींटी क्या करती है, वह चींटी उस मिश्री की डली को उठाकर अपने सिर पर उसका ढंढेरा पीटती है, मिल गया मिल गया मिल गया। और फिर ढंढेरा पीट के फिर क्या होता है, एक वो मिश्री की डली पे अनेक चींटियां उसके रस का स्वाद लेती है। देखा है, एक एक मिश्री की डली हो लेकिन अनेक उस पे चींटियां उसका स्वाद। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो चींटी है इतनी सी, उसके अंदर भी इतना अहम, इतनी समझ है कि मैं एक कम्युनिटी, एक जाति की सदस्य हूं। कहने का प्रयोजन ये है, तो जिस व्यक्ति के अंदर केवल मैं एक शरीर हूं कि मैं एक परिवार का सदस्य हूं, इतनी ही अहमता रही हुई है, तो फिर तो वो पशु से भी बदतर हुआ, क्योंकि इतनी समझ, इतना अहम तो पशु को भी है। है ना, समझ में आ रही है बात आपको? देखिए हम मनुष्य हैं, इसलिए फिर हमारी अहमता अलग अलग प्रकार के रंग लेती है। इन सब अहमताओं को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक है शास्त्रोक्त अहमता और दूसरी है लोक सिद्ध अहमता। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रोक्त अहमता यानी जैसे शास्त्र कहता है ब्राह्मण को ब्राह्मण का कर्म करना है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय, ये जो वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबको अपने अपने कर्म के जो प्रकार बताए गए हैं, तो वो भी एक प्रकार का अहम है, अहमता जिसको कहा जाता है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को ये करना चाहिए, शूद्र का ये कार्य है, वैश्य का ये कार्य है, तो शास्त्र भी हमको अहम में बांधता है। इसको हमारी शास्त्रोक्त अहमता कहा जाता है। दूसरी है लोक सिद्ध अहमता। लोक सिद्ध अहमता का मतलब है जैसे मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पत्नी, मैं पुत्र, मैं भाई, मैं बहन,
अब ये अपने आप को मैं पिता, मैं पुत्र, मैं पति, मैं पत्नी के रूप में जानकर उस अनुसार ही कर्म करना, उसको क्या कहा जाता? लोक सिद्ध अहमता। तो एक हुई शास्त्रोक्त, दूसरी हुई लोक सिद्ध। हमारे आचार्य चरण ने इन दोनों अहमता ममता से ऊपर एक तीसरी और अहमता बताई है। ध्यान दीजिए, हमारा जन्म हुआ मनुष्य योनि में, अहम तत्व तो हमारे अंदर है, एग्जिस्टेंस, वो अहम भी आवश्यक है। अहम यानी मैं, ये मैं ही तो हमें अपने अस्तित्व का भान करवाता है। लेकिन फिर ये मैं अलग अलग रंग में रंग जाता है। जिस प्रकार से पानी में जो रंग मिला दिया जाए, पानी वो रंग धारण कर लेता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर रहा हुआ जो अहम तत्व है, ये जगत में आकर संसार के अलग अलग रंग में, जिसको हमने शास्त्रोक्त और लोक सिद्ध के रूप में देखा, लेकिन उससे एक ऊपर की अहमता ममता है, जिसको आप श्री आज्ञा कर रहे हैं। जब हमको ब्रह्म संबंध मिला और ब्रह्म संबंध के द्वारा जो अहमता का दान हमको दिया गया, वो कौन सी है? दासो हम। ये तीसरी उसके ऊपर की, दासो हम, वो भी एक प्रकार की अहमता हुई ना। जब ब्रह्म संबंध लेते हैं, हे कृष्ण मैं आपका दास हूं, दासो हम। अब देखिए, ये भी एक प्रकार की अहमता है, लेकिन ये बड़ी शुद्ध, ये अच्छे प्रकार की अहमता कही जाती है। जिस प्रकार से कोई भी चीज को छान लिया जाए तो वो शुद्ध हो जाती है, तेल उसका रिफाइनमेंट कर लो तो तेल शुद्ध हो गया। उसी प्रकार से समर्पण के छनने में जब हमारी अहमता ममता छन जाती है, तो वो दासोहम के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो शुद्ध हो जाती है। हमारे यहां पे ब्रह्म संबंध के द्वार दासोहम, ये भाव, ये स्वरूप ज्ञान स्थित करवाया जाता है। ज्ञान मार्ग में जीव आगे बढ़ते बढ़ते मैं ही वो हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में थोड़ा द्वैत भी आवश्यक है। द्वैत यानी थोड़ा सा भेद, हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो व्यापक है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, हम जीव अल्पज्ञ है। हम यहां पे हैं तो घर पे नहीं है, घर पे हैं तो यहां पे नहीं है, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और श्री महाप्रभु जी अणुभाष्य के अंतर्गत भी जीव को अणुरूप में माना है। जो भगवद भगवान का जो अंश है जीव के अंदर, वो अणुरूप में है, यानी जीव अल्पज्ञ है। और हम भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भेद, हम वो नहीं है, हम उसके दास हैं, क्योंकि थोड़ा सा द्वैत होगा तो ही तो उसका हम आनंद ले पाएंगे। हम ही वो हो जाएंगे, हम ही मिश्री बन जाएं तो फिर स्वाद कौन ले? लेकिन मिश्री अलग, हम अलग, तो मिश्री का हम स्वाद भी ले पाएं। इसलिए थोड़ा सा भक्ति मार्ग में द्वैत इसको रखा गया है। इसलिए ब्रह्म संबंध के द्वारा यह भावना कि दासो हम, मैं कृष्ण का दास हूं, यह अहमता ममता जीव के अंदर स्थापित की जाती है। देखिए, मनुष्य अहमता ममता से बंधा हुआ है, अहमता ममता की और कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक बड़ी सबसे दिक्कत यह है कि अहमता ममता के चलते जीव और सब जगह सन्मुख हो सकता है, लेकिन वो ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हो पाता है। लेकिन जब समर्पण के छन्ना में हमारी अहमता ममता छन जाए, तो वो दासोहम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान दीजिए, पुष्टि मार्ग में अहमता ममता को छोड़ना नहीं है, अहमता ममता को जोड़ना है। जो अहम भाव आपको शरीर में है, शरीर में प्रेम है क्योंकि ये मेरा है, वास्तविक में सत्य तो ये है, वो शरीर में भी प्रेम किस लिए है?
उस विषय को जीव जान नहीं सक रहा है, वो अज्ञान के चलते उसको समझ नहीं पाता। हमें ये देह से प्रेम इसलिए है कि ये देह के अंदर परम आत्मा का अंश विराजमान है, अंतर्यामी स्वरूप से चिदमात्र वो हरि रंश। श्रुति कहती है जितने भी चैतन्य जीव हैं उसके अंदर हरि का अंश विराजमान है। तो ये देह से हमें प्रीति है, लगाव है, क्यों? क्योंकि वो अंश हमारे अंदर विद्यमान है। बाकी इस विषय को समझा जाए तो आप ध्यान दीजिए, खाली ये शरीर से हमें प्रीति नहीं है। जो सिर्फ ये शरीर से हमें प्रीति होती तो फिर जब इसमें से वो निकल जाती है अंतरात्मा, चैतन्य इसके अंदर से जब निकल जाता है, अंतर्यामी स्वरूप प्रभु इसमें से जब तिरोहित हो जाते हैं, तो फिर ये शरीर को जला क्यों देते हैं? यानी वास्तविक में हमारी प्रीति का कारण क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान आज्ञा करते हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थिति ही, सभी प्राणियों में रहने वाले आत्मा ही परमात्मा है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं तो प्रिय का भी प्रिय हूं। अब प्रिय का प्रिय मतलब क्या हुआ? संसार में व्यक्तियों से, स्वजनों से हमें प्रीति है, वो हमारे प्रिय हैं। वो स्वजन हमारे प्रिय क्यों हैं? विचार कीजिए, क्योंकि उनका संबंध देह के साथ है, हमारे देह के साथ वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हमारे प्रीति के कारण है। देह से हमारा उनके साथ संबंध है, इसलिए वो हमारे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि देह हमें प्रिय है, शरीर हमें प्रिय है। अब प्रश्न ये उठता है, शरीर प्रिय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अंतरात्मा स्वरूप गुड़ाकेश, अहम आत्मा गुड़ाकेश परमात्मा विराजमान है, इसलिए शरीर से प्रीति है। जो वो अंदर ना हो तो फिर शरीर से कोई प्रेम करता है? कोई प्रेम नहीं करता। फिर तो कहते हैं जैसे ही अंदर से चिदंश तिरोहित हो गया तो भैया अब इसको घर से जल्दी बाहर निकालो, इसको तो जला दो। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर इसको घर में रखा जाएगा तो फिर इसमें से दुर्गंध आने लग जाएगी। फिर तो इसको कोई नाम दे के भी पुकारता नहीं है। क्या कहते हैं? ये शरीर, ये बॉडी को यहां से ले जाइए, नाम से भी नहीं पुकारते हैं। यानी हमारे प्रीति का कारण केवल शरीर नहीं है, शरीर में रहा हुआ जो आत्म तत्व है वही वास्तविक में हमारी प्रीति का कारण है। लेकिन जीव अज्ञानवश मैं केवल एक शरीर हूं यही भाव के साथ व्यवहार में लगा हुआ रहता है, उसी को देहाध्यास कहा जाता है। बाकी वास्तविक में हमारी प्रीति का कारण आत्मा है, और वो आत्मा नहीं है तो फिर ये शरीर से कोई प्रेम नहीं करता। हमारे स्वजन भी 2-5-10 दिन रोएंगे, फिर वो भी भूल जाएंगे। सही है कि नहीं? कितने दिन शोक मनाते हैं? अब तो बरसी के लिए 1 साल भी कोई प्रतीक्षा नहीं करता है। महीना हुआ नहीं ना भैया बरसी करो, हमारे तो शादी ब्याह रुके हुए हैं। सत्य है कि नहीं? बाकी तो बरसी होती है साल भर के बाद, लेकिन 1 बरस भी कोई प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। यानी इस तत्व को समझना प्रियजनों, जब यह तत्व ज्ञान जीव के अंदर आ जाए कि वास्तविक में मेरे प्रीति का कारण मेरी आत्मा है, आत्मा का संबंध देह से है इसलिए देह प्रिय है, और देह का संबंध स्वजनों से है इसलिए स्वजन प्रिय है, तो भगवान क्या कहते हैं? मैं आत्मा की भी आत्मा हूं, प्रिय का भी प्रिय हूं। तो हमारे मूल प्रिय के कारण कौन हुए? श्री कृष्ण। और जो इस तत्व को नहीं जानता उसको क्या कहा जाता है? देहाध्यास। केवल अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कोड पूरे करने में लगा हुआ वो एक प्रकार का हमारे अंदर रहा हुआ शारीरिक अहंकार, वो एक प्रकार का हमारे अंदर रहा हुआ देहाध्यास, वो एक प्रकार से हमारे अंदर रहा हुआ गधापन, यूं भी कह सकते हो।
साहित्य में गधे की बात निकली है तो एक मजेदार बात आपको सुनाता हूं। एक साहित्य के अंतर्गत एक बड़ा ही साहित्यिक शब्द मिलता है, वैशाख नंदन। क्या कहते हैं? वैशाख नंदन। कितना सुंदर नाम है कि नहीं? हां के ना, वैशाख नंदन, क्या अच्छा नाम है ना। पता है आपको ये नाम किसका है? ये नाम गधे का है, वैशाख नंदन। गधे को वैशाख नंदन कहा जाता है। क्यों? तो उसके पीछे एक रहस्य है। देखिए उसकी वृत्ति कैसी होती है। वैशाख नंदन यानी वैशाख यानी गर्मी का समय, और गर्मी के समय में क्या होता है, ऐसे घाम धूप तेज पड़ती है और उसके चलते सब जगह सीधे अच्छी घास जो हरी भरी है वो सुलभ होती नहीं है उसको। अब वो जब खेतों में चरने के लिए जाता है तो खेत बड़े बड़े और थोड़ी सी यहां पे घास मिल गई, क्योंकि पूरा लबालब तो हरे भरे खेत भरे हुए होते नहीं है वैशाख में, तो थोड़ी सी यहां पे ये खेत में मिल गई। फिर थोड़ा आगे चला वहां थोड़ी सी उसको मिल गई, फिर थोड़ा सा आगे चला तीसरे खेत में पहुंच गया वहां उसको थोड़ी सी हरी घास मिल गई, और फिर वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो मन ही मन फूल जाता है, ओहो हो देखो तो सही मैंने 4-5 खेत साफ कर दिए। क्या सोचता है वो? 4-5 खेतों को मैंने साफ कर दिया, देखो मेरा सामर्थ्य। और ये सोच सोच के वो फूला जाता है और हृष्ट पृष्ट हो जाता है, इसलिए उसको वैशाख नंदन कहते हैं। और इसके उल्टे जैसे बरसात आदि का समय जो आ जाता है, अब उस समय तो खेत पूरे भरे हुए रहते हैं हरे भरे, घास सब जगह सुलभ है। अब वो खेत में चढ़ने के लिए जाए, अब थोड़े से में ही उसका पेट भर जाता है क्योंकि विपुल मात्रा में है घास, तो थोड़े से में ही पेट उसका भर गया। और पीछे मुड़ के देखे, मन में शोक होता है, उसको ग्लानी होती है, अरे आज मैंने इतना सा ही भोजन किया, आज मैं ज्यादा, वास्तव में उसका पेट तो भर ही गया क्योंकि घास उसको थोड़े से में ही ज्यादा मिल गई। जो वैशाख में उसको 4-5 खेतों का भ्रमण करके जो मिल रही थी वो बरसात के समय में तो उसको थोड़े से में ही उसको प्राप्त हो जाती है, ज्यादा घूमना नहीं पड़ता। लेकिन वो ये सोचता है कि देखो थोड़े से भी मेरा पेट भर गया, और ये सोच सोच के उसका शरीर सूखते जाता है, सूखते जाता है, सूखते जाता है, और वैशाख में वो फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है, वैशाख नंदन। और जीव भी देखो शारीरिक अहमता के चलते, मैंने कितने खेत साफ कर लिए, मैंने कितनी प्रॉपर्टियां बना ली, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, एक खेत साफ, दो खेत साफ, 4 खेत साफ, वो फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। ये जीव का देहाध्यास, उसके अंदर रहा हुआ एक प्रकार का गधापन है, शारीरिक अहमता। और ये शारीरिक अहमता के चलते हमारे अंदर रही हुई जो प्रेम जो हमारे अंदर जागृत होता है वो प्रेम आगे प्रवृद्ध नहीं हो पाता। तो श्री ठाकुर जी ने अवतार काल में ये जितने भी असुर, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये सब हमारे अंदर रहे हुए दोषों के ये सब सिंबॉलिक, ये प्रतीक रूप हैं। और जब ठाकुर जी की सारस्वत कल्प की हुई लीलाओं को जब हम समझते हैं, उन लीला के रहस्य को समझते हैं, तो उस बात को जानने से हमारे अंदर रहा हुआ देहाध्यास उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। हमारे आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, देह में आसक्ति रखो, लेकिन यह देह भगवत सेवा में सहायक रूप है। ये भाव से आप देह को पुष्ट कर रहे हो तो ये आपकी अच्छी अहमता कही जाती है। लेकिन मैं एक शरीर हूं और अपने केवल एक शरीर मानकर या परिवार का सदस्य मानकर उसका भरण पोषण करते रहना, इसको देहाध्यास कहा जाता है। और ये शारीरिक अहमता ये हमारी भक्ति में ये बाधक रूप हो जाती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, भगवत सेवा में ये शरीर साधन रूप है। इस भाव से जो ये शरीर का पोषण हो अच्छी बात है,
आप स्मरण करें, प्रसंग आता है कि एक बार श्री गोकुलेश प्रभु बड़े व्याकुल मन से आप विराजे, कुछ विचार चिंतन आप कर रहे थे। उस समय श्री हैराय महाप्रभु जी पधारे आपको भोजन की विनती के लिए। आपके गुरु हैं, आपके ताजश्री हैं, आप प्रसन्नता में तो हैं, आपको स्वास्थ्य, आप क्यों भोजन की क्यों मना कर रहे हैं? तो श्री गोकुलेश प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि ये शरीर ये देह से ठाकुर जी की सेवा तो कुछ हो नहीं पाती, सेवा करने जाते हैं श्रम ज्यादा हो जाता है, श्रृंगार धराने गए मुंह से कुछ बोल लिया थूक उड़ गया, चलते जाते हैं पैर लग जाते हैं ठाकुर जी के साहित्य में, श्रृंगार धराने गए प्रभु को नख लग गया, सेवा कम होती है श्रम ज्यादा देते हैं। और जिस देह से ठाकुर जी को ही सुख न पहुंचा सके तो फिर ये देह का पोषण करने का क्या मतलब, आज हमें भोजन नहीं करने। ऐसा ताप आपको भया श्री हैराय जी भी चिंतन, आपसे की बात तो सत्य है, कहने लगे प्रभु आपकी आज्ञा बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने आपसे ये बात भी जानी है कि भगवत सेवार्थ ये देह साधन रूप है, इसलिए इसका पोषण करना चाहिए, लेकिन हाँ चाहते न चाहते हुए भी सेवा में अपराध तो हो ही जाते हैं, कृपा कर आप ही आज्ञा करें कि ये जाने अनजाने जो अपराध हो जाते हैं सेवा में, उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तब आपसी के मुखारविंद से श्री महाप्रभु जी के अनन्य कृपा पात्र ऐसे 84 वैष्णवों की नामावली प्रकट हो गई। आपसी ने आज्ञा करी कि ये 84 वैष्णवन की नामावली को नित्य पाठ करनो कि जाके वजह से सेवा में होते हुए जो जाने अनजाने में जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों की निवृत्ति हो जाती है। उन अपराधों की निवृत्ति करने के लिए 84 वैष्णवन की नामावली, वैष्णवों को अपने नित्य पाठ के क्रम में जैसे आप सर्वोत्तम जी करते होंगे नित्य, आप श्री अमनाष्टकम करते होंगे नित्य, आप बालबोध सिद्धांत मुक्तावली सिद्धांत रस्य नवरत्न कृष्णाश्रय भक्ति वर्धनी का आप नित्य पाठ करते होंगे, नित्य निरोध लक्षण विवेक धैर्य आश्रय पंच पद्यानी चतुश्लोकी आदि ग्रंथ का आप नित्य पाठ करते होंगे, नित्य पंचाक्षर की एक आप माला करते ही होंगे, आपके नियम में अवश्य आपके नियम में होगा, अष्टाक्षर की भी कम से कम एक माला तो आप अवश्य करते ही होंगे, करते हैं ना, कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। तो ये आपका जो नित्य क्रम है उसके अंतर्गत एक 84 वैष्णवों की जो नामावली है श्री गोकुलेश प्रभु द्वारा रचित, उसका पाठ का क्रम भी अवश्य आप अपने नित्य नियम में रखो, क्योंकि ठाकुर जी हमारी सेवा भगवदियों की कहानी से ही आप स्वीकार करते हैं, और भगवदियों की कहानी से ही भगवदियों की कृपा से ही सेवा में होते हुए अपराध की निवृत्ति हो सकती है। लेकिन पता चलता है कि इस प्रसंग से हमारे ये देह का पोषण किस भाव से करना चाहिए, और जो ये शरीर भगवत सेवा में उपयोगी नहीं है तो फिर शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। गोपियों ने तो कहा गोपी गीत के अंतर्गत कि प्रभु हम ये देह धारण करके बैठी हुई हैं, हमारा ये शरीर टिका हुआ है, क्यों? क्योंकि हम जानती हैं कि ये शरीर आपके लायक है, इसलिए हमारे अंदर प्राण बचे हुए हैं, नहीं तो कब से प्राण निकल जाते। तो अपने आत्मस्वरूप को जानना कि हम कौन है, दासो हम, और जब स्वरूप का ज्ञान होगा प्रियजनों तो कार्य भी आपके उस प्रकार के होंगे, लेकिन जो स्वरूप का ज्ञान नहीं है, केवल मैं एक पुत्र हूं, मैं एक पति हूं, कि मैं एक पिता हूं, केवल इतना ही आपको अपने स्वरूप का ज्ञान रहा तो फिर आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको आपके स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, आप केवल देह संबंध में ही जी रहे हैं, देहाध्यास। जब कृष्ण की सेवा में हमारे पूज्य श्री दादाजी तो आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार से चंदन का काष्ठ, उस काष्ठ को जब शिला पर घिसा जाता है तो सुंदर महक आती है चंदन की, उसी प्रकार से ये शरीर जब भगवत सेवा में घिसे तो भक्ति की सुगंध आती है, भक्ति की महक आती है।
और जब भक्ति की महक आती है तो वो महक उस मकरंद के लोभ से कौन आता है? भ्रमर। भ्रमर को कभी प्लास्टिक के कमल फूल पे बैठते हुए देखा क्या आपने? नहीं। भ्रमर कहां पे आकर्षित होता है कि जहां पे मकरंद है, जहां कोमलता है, भ्रमर वहीं आके रस का पान करता है। तो भ्रमर यानी कौन? तो कैसे कृष्ण। मधुपकितव बंधो माम स्पृशांग्री सपत्न्या। तो जब हमारा ये देह भगवत सेवा में घिसेगा प्रियजनों, सेवा की आदत जब हो जाए, कई लोग के मन नहीं लगता है तो फिर सेवा करने का क्या मतलब है? मन में आएगा तब करेंगे। अरे मन में तो कब आएगा? मन तो विषयों के रंग में रंगा हुआ है। मन नहीं लगता इसलिए तो सेवा है, मन नहीं लगता इसलिए तो स्मरण है, मन नहीं लगता इसलिए तो सत्संग है। जी उल्टा सोचता है, मन नहीं लगता तो फिर सेवा का क्या मतलब? कई बार बुजुर्ग वैष्णव कहते हैं कि जे भाई मन की परिवार सब, तो उसके मन में आएगा तो करेगा, फिर मन में नहीं आता तो बिना मन के करने का भी क्या मतलब है? ऐसा नहीं सोचो। आग्रह कर करके, आज मन नहीं लगा कल लगेगा, कल नहीं तो परसों लगेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवत गीता में भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं? चंचलम ही मनः कृष्ण, भगवान अर्जुन कहता है प्रभु ये मन तो अति चंचल है, कैसे आप में लगेगा? तो आपने कहा अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो निरंतर सेवा का अभ्यास, फिर वो मन के कर्षण करने का काम प्रियजनों उनका है, हमारा कार्य सेवा करना है। और जिस तन से सेवा नहीं, वो शरीर शरीर नहीं है। सूरदास जी के शब्दों में, जिन तन दियो तिन ही बिसारियो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो तिन ही बिसारियो, जिसके द्वारा आपको ये जीवन मिला, जन्म मिला, जो उसी के लिए आप समय न निकाल पाए, तो ऐसो नमक हरामी, उसको नमक हरामी कहा जाता है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, भगवत सेवा में उपयोगी जान ये शरीर में आसक्ति रखना, अपने आत्म स्वरूप को जानना, ये धेनुकासुर वध के प्रसंग, इसके पीछे हुए रहस्य को जानकर जब आपके भीतर दासोहम के स्वरूप की स्थापना हो जाए, तो समझ जाओ कि आपके अंदर रहा हुआ देहाध्यास निवृत्त हो गया। जब आपके अंदर यह भाव स्थित हो जाए कि हां वास्तव में मेरे प्रिय का कारण मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा है, जब यह भाव आपके अंदर स्थित हो जाए, तो समझ जाइए कि अंदर रहा हुआ जो गधापन था, देहाध्यास था, वो देहाध्यास निवृत्त हो गया। क्योंकि आहार निंद्रा भय में तु नंच समान में तत् पशु भी नराणाम, धर्मो ही एकाम अधिको विशेषो, धर्मेण ही ना पशु भी समाना। चार कार्य मनुष्य और पशुओं के एक समान हैं, आहार मनुष्य भी लेते हैं पशु भी लेते हैं, भोजन निंद्रा दोनों करते हैं, मैथुन विषय भोग वासना भी दोनों भोगते हैं, भय मनुष्यों को भी है पशुओं को भी है, तो फर्क क्या रह गया? विशेषता क्या है हमारी? और जो आपके मूल अहम का कारण है, हम फूले नहीं समाते, हम मनुष्य हैं, अपने आप को तो बड़े सवारते हैं, सजाते हैं, कामदेव के अवतार मानते हैं, लेकिन वास्तव में आपके अहंकार का, आपके अहम का, आपकी विशेषता का जो मूल कारण है वो क्या है? धर्मो ही एकाम अधिको विशेषो। और जो धर्म को ही आप भूल गए, तो फिर ये शरीर को सजाना संवारना, उसका ध्यान रखना, उसका क्या मतलब रह गया? फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो देहाध्यास, देह में रही हुई आसक्ति, ये धेनुकासुर उसका प्रतीक है। और उसके उद्धार के द्वारा, धेनुकासुर का उद्धार बलभद्र जी, उनके अंदर आविष्ट भगवान भगवत स्वरूप के द्वारा हुआ। गौचारण करे ताल वन में भ्रमण करते हुए, धेनुकासुर का उद्धार करते हुए, अब प्रभु ने देखा कि अब सांझ होने लगी, संध्या का समय हुआ। ग्वाल बालों की बिनती सुन
श्री ठाकुर जी टेर कदम के नीचे आप खड़े हो गए और भगवान ने वेणुनाथ द्वारा सभी गायों को अपने ओर टेरते हुए ब्रज की ओर अब आप पधार रहे हैं। सुंदर वेणुनाद करी और वेणुनाद के द्वारा सब गायों को वत्सों को अपनी ओर टेरा और टेर के अब आप ब्रज की ओर पधार रहे हैं। अब यहां पर प्रभु की आवनी की शोभा का वर्णन किया गया है। प्रभु की आवनी की शोभा जब गौचारण करते हुए पुनः जब ब्रज की ओर पधारते हैं, जब भगवान वन से पधारते हैं, तब सबसे पहले अनेक दर्शन पुलिंदनिया जो हैं, भिलनिया जो हैं, जो शिगराज जी की तरेटी में रहती हैं, शिगराज जी की तरेटी में ये पुलिंदनिया, ये भिलनिया निवास करती हैं, भगवत भक्त हैं। श्री ठाकुर जी ब्रज की ओर पधार रहे हैं, उससे पहले ये भिलनिया श्री ठाकुर जी को कंदमूल फल फूल आप आरोगाती हैं। आज भी अपने यहाँ पे जो पुष्टि मार्ग में उत्थापन भोग जो है, इन पुलंदनियों के भाव से कंदमूल ठाकुर जी को फल फूल धराया जाता है। वहां पे आप उत्थापन भोग आरोग रहे हैं, इधर गोपियों की उत्कंठा देख भगवान संकेत द्वारा उनको सांत्वना दे रहे हैं, मानो श्यामा ही आ, गोरी ही आ, कजरी ही आ, गोपियों के नाम दे देके, यानी गायों के नाम दे देकर गोपियों के हृदय में रहा हुआ जो ताप है उसको आप सांत्वना दे रहे हैं। गोरी ही आ, यानी जितने गोर वर्ण की गोपियां हैं, श्यामा ही आ, इस प्रकार की आप पुकार लगा रहे हैं कि जो ब्रज में गोपियां श्री ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में व्याकुल हैं, तो उन गोपियों को सांत्वना देते हुए, क्योंकि दाऊ दादा साथ में है इसलिए संकेत में गोपियों को सांत्वना देते हुए भगवान उनको अति शीघ्र दर्शन देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु आप अत्यंत त्वरित गति से चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दाऊ दादा वह मंथर गति से आप चल रहे हैं। जहां गायों के यूथ के साथ दाऊ दादा ग्वाल बालों के साथ आपने विश्राम किया, दाऊ दादा ने विश्राम किया, वह बड़ी बठेन, और वापिस लौटते समय जहां से कृष्ण ने विश्राम किया वह छोटी बठेन। जब हम ब्रज 84 कोस की यात्रा करने के लिए आते हैं तो ये सब दर्शन, ये सब स्थलियों के दर्शन होते हैं, बड़ी बठेन, छोटी बठेन। जिन्होंने पूर्व में 84 कोस की जो यात्रा, पैदल यात्रा, पद यात्रा की होगी तो आपको वो स्थली का स्मरण होगा। तो जहां दाऊ दादा विराजे वह बड़ी बठेन, जहां आप कृष्ण विराजे वह छोटी बठेन। श्री प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, तम गौरजश्चुरित कुंतल बद्ध बरहवन प्रसुन्द्रुचिरे क्षण चारुहासम वेणु क्वनन्तम अनुगेरनुकीर्ति गोप्यो दिद्रुक्षिति दृशुभगामन समेता तम गौरजश्चुरित कुंतल बद्ध बद्धै। सुखदेव जी कहते हैं सभी गोपियां भगवान की शोभा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के मन ही मन दर्शन कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। गौचारण करते करते धीरे धीरे ठाकुर जी ब्रज की ओर पधार रहे हैं। गायों के झुंड पूरे ठाकुर जी के चरणारविंद से, ग्वाल बालों के चरणारविंद से, गौ रज से पूरा आकाश आच्छादित हो रहा है। हमारे भगवतियों ने भी उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया, आवत मोहन धेनु चराई, आवत मोहन धेनु चराई, धेनु चराई, आवत मोहन धेनु चराई, मोर मुकुट सिरौर वन मा
कटिकाचनी किंकणी धुन बाजत कटिकाचनी किंकणी धुन बाजत चलत चरण नूपुर रव लाये चरण चरण नूपुर रव लाये ग्वाल मन श्याम सुंदर के केश गोरस से घूसरित हो रहे हैं, सिर पर मोर पिच घुंघराली अलकावली, मुखमंडल पर गोरज छाई गई है, वन के पुष्प पाग में खोस रहे हैं, रुचिर एक क्षण मधुर हास सुंदर दृष्टि भगवान की ओर सुंदर आप वेणुनाद करते जा रहे हैं, ग्वाल बाल भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, भगवान की मनोहराणी छवि देखकर गोपियों की विचित्र स्थिति हो गई, गोपी तज लाल संग श्याम रंग जूली पूरण मुख चंद्र देख नयन को ही भूली, यह सुंदर प्रभु के आवनी की शोभा जिसका वर्णन श्री महाप्रभु जी ने परिवृद्धाष्टकम में किया है, हिड़ 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 हिड़कार प्रति पशु वन कुर्वती सदा नमंद्रम मे चंद्रम प्रभुति शुच मौनम धृतवती नमंद्रम मे चंद्र। श्री आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा शिवादि जो सदा भगवान का नमन करते हैं आज ये प्रभु की आवनी की शोभा को आकाश में मौन होकर दर्शन कर रहे हैं और गोपियां निकट प्रभु के दर्शन कर रही हैं, स्पर्श के सुख का प्राप्त कर रही हैं। भाव यह है कि ब्रह्मा शिवादि देव आकाश में से ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, उनको भी अभिलाषा हो गई कि अरे हाय ये ब्रजवासी कितने निकट से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु के स्पर्श का आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, हम कब ब्रजवासी बने और हमको भी कब ऐसे सुख की प्राप्ति हो। नमंद्रम मे शेन्द्रम हिड 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 हिडकार प्रति पशु वन कुरुवती सदा गोपियों ने भगवान का दर्शन किया, क्षण क्षण में जैसे प्रभु निकट आ रहे हैं प्रभु का सौंदर्य और बढ़ते जा रहा है और सौंदर्य बढ़ते जा रहा है। श्री आचार्य चरण वर्णन करते हैं मृगाक्षी विश्वेचा नवकुवलयैर चित्तै पदैः गोपियां प्रभु के दर्शन कर नेत्रों से भाव रूपी पुष्प श्री प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर रही हैं। ऐसे प्रभु उनके हृदय में रति वर्धन कर रहे हैं। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं रतिर प्रादुर्भावं भवतु सतितं श्री परिवृढ़ै गोपियों के रति वर्धक जो श्री ठाकुर जी की आवनी की शोभा देखकर गोपियों के अंदर रहा हुआ जो रति प्रेम भाव है प्रभु आप अपने प्रमेय अपने स्वरूप से उनके अंदर रही रति का प्रवृद्ध कर रहे हैं। उन गोपियों के रति को बढ़ाने वाले श्री चरणों में मेरी भक्ति हो ऐसा श्री आचार्य चरण विनती कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी आकांक्षा कर रहे हैं गोप सखा आवत गुण गावत गोप सखा आवत गुण गावत गोप सखा श्याम हलधर छवि गाये मध्य श्याम हलधर छवि गाये सूर्य
दास प्रभु असुर संहारन को सूरदास प्रभु असुर संहारत सूरदास प्रभु असुर संहारन सूरदास प्रभु असुर संहारन ब्रज आवत मन हर की बढ़ाए ब्रज आवन मन हर की बढ़ाए प्रभु की आवनी की शोभा के दर्शन कर रही है। श्री ठाकुर जी के स्वरामृत स्वरूपामृत का दर्शन कर गोपी जनों को श्री आचार्य चरण सुबोधनी में वर्णन कर रहे हैं। जो श्रृंगार के जो नौ प्रकार के रस जो साहित्य में बताए गए हैं, उन रस का अनुभव इन भक्तों को हुआ और दसवां भक्ति रस श्री आचार्य चरण सुबोधनी में आज्ञा करते हैं। भगवान की अलकें गौरज से व्याप्त हैं, प्रभु की शोभा कैसी है गौरज से आपकी ये जो अलकें हैं, पूरी अलकावली गौरज से आच्छादित है, सुशोभित है, यह श्रृंगार रस सूचक है। क्योंकि अलक कामरूप है, अर्थात जो भी इनके दर्शन करते हैं उनके भाव में उद्दीपन, उनके भाव में वृद्धि होती है। इसलिए ये गोपियां ठाकुर जी के जब अलग के गौरज से आच्छादित अलग के जब दर्शन करती हैं तो उनके अंदर श्रृंगार रस जागृत हो जाता है। प्रभु ने सुंदर मयूर पिच्छ धराया है। आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं जो वीर रस सूचक है तथा अद्भुत रस सूचक है। क्योंकि मयूर पिच्छ उत्साह उत्पन्न करता है, जो वीर रस प्रकट करता है, और धराया हुआ मोर पंख यह दर्शन कर सब विस्मित होते हैं, जो अद्भुत रस प्रकट करता है। आचार्य चरण सुबोधनी में आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्प के मस्तक पर मोर पंख के साथ सुंदर वन के पुष्प गुथे हुए हैं। वन के अलग अलग पुष्प भी श्री ठाकुर जी के मस्तक पर गुथे हुए, जिनके दर्शन कर भयानक एवं हास्य रस गोपीजनों के अंदर प्रकट हो जाता है। गोपीजन के मन में यह भाव जागृत हो जाता है कि इन पुष्पों को लाने के लिए कैसे दुर्गम स्थान पर आप पधारे होंगे। यह विचार भयानक रस प्रकट करने वाला है कि ये पुष्प कैसी डाली पे से चढ़ के लाए होंगे, कहां कांटे होंगे, कहां पत्थर होंगे। तो ये गोपियों के हृदय में भय जागृत हो जाता है, ये भयानक रस का सूचक है। यह विचार भयानक रस, और यह पुष्प कौन धरा रहे हैं, वो पुष्प लेकर आए और वो पुष्प श्रृंगार करने वाले कौन है, तो कि ग्वाल बाल। तो सखाओं के द्वारा धराए गए ये जो पुष्प है उसके दर्शन करती हुई, क्योंकि ये पुष्प कैसे धराए हैं, सुव्यवस्थित नहीं है, अस्त व्यस्त है, तो वो देखते हुए देखो तो सही कैसा टेढ़ा मेढ़ा धराया है। तो ये देखकर गोपियों के अंदर हास्य रस जागृत होता है। जैसे घर में ठाकुर जी विराजते हैं, प्रायः ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि सेवा करने वाले महिला वृंद ज्यादा उसमें रस लेती है। लेकिन कभी कभी घर में विराजे हुए ठाकुर जी समय होता है कि वो सेवा नहीं पहुंच पाते, तो उस समय उनके पति देव वो सेवा पहुंचते हैं। कई बार वैष्णव से पूछते हैं कि भी तुम सेवा करते हो कि मैं नहीं, कि मेरा तो बस चार दिन उसी समय नंबर आता है तो उसी दिन मैं सेवा करता हूं। यानी वो जब पति देव ठाकुर जी के श्रृंगार धरावे, अब वो रोज तो सेवा नहीं करते होंगे, रोज श्रृंगार नहीं धराते होंगे, कभी कभी धरावे तो फिर संभव है, कहां के श्रृंगार कहां धरा दिए, बाजूबंद पोंची में धरा दी, पोंची बाजूबंद में धरा दिया, माला हांस जहां धरानी थी वहां त्रवल धरा दी, त्रवल के जगह वो, जहां पे पाग ये चंद्रिका यूं आनी थी तो यूं धरा दी, तो हंसी तो आवे के नहीं। तो ये हास्य रस सूचक है, क्योंकि नित्य वो सेवा करे नहीं, तो ये गोपियों के हृदय में कि ये कैसे धराए हुए हैं श्रृंगार। तो ये दर्शन करके श्री आचार्य चरण बता रहे हैं कि गोपियों के अंदर हास्य रस उत्पन्न होता है। प्रभु की सुंदर दृष्टि करुणा रस उत्पन्न करती है,
गोपी जन सोचती हैं कि हमने इतने समय तक श्री ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, जिससे मन में पश्चाताप उनको होता है और उसके चलते उनके अंदर करुणा रस, करुण रस प्रकट हो जाता है। प्रभु का मनोहर हास्य रौद्र रस उत्पन्न करता है। रौद्र रस किस प्रकार से कि यह मनोहर हास्य से किसी अधिक अधिकारी को कि ये हास्य द्वारा श्री ठाकुर जी ने कितने के मनोरथ पूरे किए होंगे। ये आपका जो मनोहर हास्य हमको तो अब जाके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन वन लीला में आपने अपने ये मनोहर मनोहर हास्य द्वारा कितने के मनोरथ पूरे किए, ये विचार रौद्र रस प्रकट करने वाला है। प्रभु के इस वेश, इस प्रकार के वेश को देखकर जुगुप्सा ग्लानि उत्पन्न होती है, जो विभत्स रस प्रकट करता है। और जब प्रभु भगवान वेणुनाद बजाते हुए ब्रज में पधारते हैं, तब आपके दर्शन करते हुए गोपियों के हृदय में शांत रस का अनुभव होता है। पूरा दिन तो निकल गया, अब प्रभु के दर्शन हुए, अब शांति मिली, शांत रस। अंतरंग भक्त भगवान की कीर्ति का गान करते हैं। पहले स्वरूप धुंधला दिखाई दे रहा था, एक दूसरे से पूछे, अरे तुको दिखे के नहीं, तुको दिखे के नहीं, एक दूसरे से पूछते हैं। और जैसे ही स्वरूप पास में आया, और अब कैसी स्थिति हो गई, पित्वा मुकुंद मुखसार धमक्षि भृंगई स्तोपम जहूर विहरजम ब्रजयोषितो नहि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम सप्रीडहास विनयम पद पांग मोक्ष। मुकुंद श्री कृष्ण के मुखसार मुखारविंद की जो शोभा है, सौंदर्य रूपी जो मकरंद है, उसको ये गोपियां पित्वा मुकुंद मुखसार भगवान के स्वरूप का पान कर रही हैं। कैसे? अक्षय भृंगई, अक्षय भृंगई, नेत्र रूपी भोरों के द्वारा मानो गोपियों के भोरे, ये नेत्र वह भोरे बन गए और भगवान के मुख रूपी कमल के सौंदर्य ये मकरंद है, और ये गोपियां उसको पीकर अपनी तापाग्नि को शांत कर रही है। देखो, जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर रहे थे, तब तक तो आपस में बड़ी कुतूहलता थी, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो कुछ दिखे के नहीं, दिखे के नहीं, लेकिन जहां अब स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लग गया, ऐसे शांत हो गई, पित्वा मुकुंद मुख सार धमिक्ष भ्रूंग गई। जिस प्रकार से भ्रमर मकरंद का स्वाद लेता है, जैसे भ्रमर मंडराता है हर जगह, कमल पे मंडराता है, हूं 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 हूं, पीऊं के नहीं, पीऊं के नहीं, पीऊं के नहीं, गुंजार करता है ना, और फिर जब वो एक कमल पर आकर जब बैठ जाए, फिर वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार से ये गोपियों के नेत्र मानो भ्रमर हैं और ठाकुर जी वो मकरंद हैं। जब तक दिखे नहीं, तब तक तो कुतूहलता थी, लेकिन अब दर्शन होते ही ऐसे शांत हो गई, मानो गोपियों के नेत्र वह भ्रमर हैं और ठाकुर जी वो रस और कृष्ण रस का ये गोपियां पान कर रही हैं। देखिए, यहां पे ये गोपियां भोक्ता हैं और ठाकुर जी उनके भोग्य हैं। पास में जैसे पधारे, अब नेत्रों से बात हो रही है। गोपीजन कह रही है, प्रभु पूरा दिन तो आपने निकाल दिया वन में, कब से प्रतीक्षा कर रही थी, और आपके स्वरूप को देखकर तो लग रहा है आपने ब्रज में वृंदावन में तो बड़ा आनंद किया, लेकिन अब रात्रि में तो आप निकुंज में पधारेंगे ना, अब तो हमारे मनोरथ पूरा करेंगे, तो अब नेत्रन से बात हो रही है। ओ बूसो हा हा करी, को सो करी नाना, कोबू सो हा हा करी, कोबू सो करी नाना। जब गोपी कहती है, प्रभु आज रात्रि तो आप शिखराज जी के कुंज में पधारेंगे, हाँ हाँ अवश्य आऊंगा। दूसरी गोपी कहती है, कल भी आपने यही कहा था, लेकिन कल तो आए नहीं, कल के जैसा आज तो नहीं करोगे, ना ना, कोबू सो करी हाँ हाँ, कोबू सो करी नाना, नहीं नहीं, कल के जैसा आज नहीं होगा, आज अवश्य आऊंगा। ठाकुर जी के माधुर्य, ये जो प्रभु का आवने की जो शोभा है, इतने सुंदर। आवत मोहन धेनु चराय
आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि यह स्वरूप यह श्रृंगार रस का अधिकार वेदों का भी नहीं है। ऐसा वेदातीत पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप, इसलिए श्री आचार्य चरण ने मदराष्टकम के अंतर्गत मधुराधिपते रखिलम मधुरम, यह स्वरूप कैसा है कि मधुराधिपति है। अदरम मधुरम मददम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुर हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम। लोचन भृंग पीए घणूते प्रगट मुख मकरंद जी, कमल पत्र शी आखड़ी ते जोई जोई टाल्यो द्वंद जी। गोपालदास जी कहते हैं, गोप बालक मंडली मध्य रंग अनेक उपजावे जी, मत गज गति मल पताते श्री गोकुल मावे जी, जोता तृप्ति न उपजे प्रभु अधर सुधारस पावे जी, भूजलता भीड़ी भामिनी ना दिवस ताप बुझावे जी। ऐसा सुंदर ये प्रभु का स्वरूप, सोहते चंदवा सिर मोर के तेसी है सुंदर पाग कसी है, तेसी गोरज भाल विराजत तेसी ही वन माल लसी है, रस खान विलोकत बोरी भई द्रंग मुदि के ग्वारी पुकारी हंसी है, खोली री घूंघट खोलू कहां वह मूर्ति नैन न मांज बसी है, मूर्ति नैन न मांज बसी है, सोहत है चंदवा सिर मोर के तेसी ही सुंदर पाग कसी है। ऐसी सुंदर प्रभु की शोभा मैया आरती लेकर ठाड़ी है, श्री ठाकुर जी को संध्या भोग धराया और प्रभु की संध्या आरती करी। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। आरती प्रभु यशोदा जी ने प्रभु की आरती करी और आरती कर आप अंदर पधारे। मैया पूछे कि लाला तुको ज्यादा ब्रज में श्रम तो नहीं भयो। लालन कहवे लगे, मैया का बताऊं आज तो मैं बड़ो श्रमित है गयो। क्यों का भयो लाला? मैया इतनी सारी गैयाएं थी और वो गैया दूर दूर चरवे के लिए चली गई, तो उन सबन को टेरवे के लिए कितनी मुख बंसी बजानी पड़ी, कितनी बंसी बजाई, बहुत फूंक मारनी पड़ी। मैया कहवे लगी, अरे टेरवे के लिए तू अकेला थोड़ी, तो ग्वाल बाल दाऊ सब तो थे। मैया वो ग्वाल बाल से तो कोई गाय टेरी नहीं गई, और तू दाऊ की तो बात ही मत कर। क्यों दाऊ की बात मत कर? दाऊ दादा तेरे साथ में थो, तो वाने तो तेरी मदद करी होगी। अरे मैया मैं तुको का बताऊं, तुको कहूंगा तो तू मानेगी नहीं। पता है दाऊ दादा ने आज ब्रज में का कियो? कि बता का कियो। मैया हम सब गाय चरा रहे थे और वहीं पे वन में एक दुबलो पतलो सो एक गधा जा रहे थो बिचारो सीधो साधो, और वो गधा को दाऊ दादा ने मार दी। गधा को मारे? का बात करो, हाँ आप पूछो, सब सखायन को पूछ लो, गधा को मार दी। यहां पे ये प्रश्न हो सकता है, यहां पे ये सुंदर ये श्रृंगार का वर्णन चल रहा था, वहां पे इस प्रकार की बात श्री ठाकुर जी ने क्यों करी? क्योंकि अब आगे आपको अन्य लीला करनी है। यमुना जी के अंतर्गत जो विष फैला रहा है, कालिया का मर्दन करना है, अब कालिया का उद्धार करना है, और उस समय जो दाऊ दादा साथ में होंगे, तो आप दाऊ दादा शेषा अवतार हैं, तो वो कालिया उनकी शरण में चला जाएगा, तो कार्य संपन्न नहीं होगा। तो ये भाव विचार के आपने ये लीला की, मैया तू दाऊ की तो बात पूछी मत, दाऊ ने तो गधा मार दी। ये भी दाऊ दादा मन में विचार में लग गए, अरे ये देखो तो सही, ये बगला को मारे तो बकासुर, अघ को मारे तो अघासुर, वत्स को मारे तो वो वत्सासुर, मैंने धेनुकासुर को मारे तो कह रहे गधा को मार दी। वाह लाला वाह, तू मेरी चुगली कर रहे है, ठीक है ऐसो करियो भैया, कल तू अकेलो ही जइयो, मैं तेरे साथ ही नहीं आऊंगा, तब तुको पता चलेगी तो मेरी चुगली कर रहा है। प्रभु मन में बड़े प्रसन्न हो गए कि यही तो मैं चाहता था कि आप नहीं पधारे कल।
तट पर विहार करते समय जिन ग्वाल बाल व ग्वायों को विषयुक्त जल पान किया था उन मृत प्राय जीवों को आपने पुनः अपनी अमृत दृष्टि से जीवित किया। विलोक्यम दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्ण हिना विभुः तस्य विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पम तमुद्वासयत्। सुखदेव जी वर्णन करते हैं विलोक्यम दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्ण हिना विभुः। देखिए यहां इस श्लोक में तीन बार कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया। कृष्ण माने श्री कृष्ण, यानी यमुना। श्री आचार्य चरण इसके भाव प्रकट कर रहे हैं। कृष्णाम यानी श्री यमुना जी, कृष्णा यानी श्री कृष्ण और कृष्णा ही यानी ये कालिया नाग, यानी दो शुद्ध कृष्णों के मध्य में ये विशेला कृष्ण कहां से आ गया? इसको तो श्री यमुना जी के बाहर निकालना ही होगा। भगवान ने यह विचार कर खेल ही खेल में शिवना जी में छलांग लगाई और छलांग लगाते ही 101 फन वाला कालिया के सिर पर आपने चरणारविंद पधराए। जो जो कालिया फन उठाता भगवान आप अपने चरणारविंद से उसके फणा को दबा देते, उसका मर्दन करते। यानी इंद्रियों में रहा हुआ जो विषयाभिमान है प्रभु के चरणारविंद की कृपा से ही वह विषयाशक्ति का मर्दन हो सकता है। इसलिए एक एक फणा ये हमारी इंद्रियों की विषय वृत्ति स्वरूप है और जब हमारी ये विषय वासना श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लग जाती है तो हमारी भक्ति रूपी यमुना यानी हृदय रूपी में रहा हुआ जो भाव रूपी यमुना है वह शुद्ध हो जाता है। जो जो फणा वो ऊंची करे ठाकुर जी अपने चरणारविंद पधरा गए। देवो बलिया बाथे बलिया कृष्णे काले नाग नाथियो सहस्त्र पेड़ा फूंकवे जे गगन गाजे हाथियो हे जल कमल छांदे जाने बाड़ा स्वामी अमारो जाग से जाग से तने मार से मन बाल हत्या लाग से हे जड़ कमर छांदे जाने बाड़ा। कहरे बाड़क तू मार्ग भूल्यो के तारा वेरिए वड़ावियो निश्चय तारो कार्ज खूट्यो महिया ते सीधियावियो हे जड़ कमर छांदे जाने बार भूल्यो नथी मारा वेरिए वड़ावियो मथुरा नगरी मा जुग तुरमता नागनु शिष हारियो ए जड़ कमर छानी जाने बार रंगे रूडो रूपे पूरो दिसंतो कोडी लो कोडामनो तारी माता ए केटला जन खामनो ए जड़ कमर छांदे जाने बार माता ए बेहु जन्म्या हे माहु नटवर नानडो जगाड़ तारा नाग ने मरु नाम कृष्ण कानडो जड़ कमर छांदे जाने गाड़ा चरण चापी मूछ मरड़ी नागने नाग जगाड़ियो उठो ने बड़वंत
संत कोई कारणे बाड़क आवियो रे जड़ कमड़ छाने जाने बारा बेउकर जोड़ी विनवे स्वामी मुको अमारा कंठ ने अमे अपराधी काई न समझ्या न ओळख्या भगवंत ने हे जड़ कमर छाने जाने बा हे जड़ कमर छाने जाने बा हे जड़ कमर छाने जाने बा बोलिए नागद मन भगवान की जय नाथ्यो हि दण्डः कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानाम् अपि तुल्य दुष्टे धत्सेदमं फलमेवानुसंशन। ये नागपत्नियां भगवान की स्तुति कर नाग पत्नियों के द्वारा जो की गई जो स्तुति है 21 श्लोकों में इसकी ये नाग पत्नियों ने स्तुति करी, जिसको श्री महाप्रभु जी तीन प्रकार बता रहे हैं, जिसमें प्रथम प्रकार 6 श्लोकों में शुरुआत के उन श्लोकों के अंतर ये नाग पत्नियां भगवान ने कालिया को जो दंड दिया उसका समर्थन करती है। उसके पश्चात 10 श्लोकों में भगवान को प्रणाम किया, कारण के उनके हृदय में 10 लीला युत भगवान का आविर्भाव हुआ, प्रभु के लीला के दर्शन कर। और तीसरा प्रकार श्री आचार्य चरण बता रहे हैं, 5 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की, वह प्रार्थना के रूप में है, जिसका तात्पर्य आप कह रहे हैं कि भगवान 5 प्रकार से पति हैं, एक तो लक्ष्मीपति, दूसरे आप यज्ञपति, प्रजा के पति, बुद्धि के पति और लोक के पति। तो इस प्रकार 5 के आप पति हैं और लोक में नागपत्नियां तथा सर्प भी आ जाते हैं, इसलिए आप इनके भी पति हैं। नागपत्नियां कहती हैं, आप जो कालिया को दंड दे रहे हैं प्रभु, ये दंड देना उचित ही है, क्योंकि आपका अवतार ही है, आपके अवतार का प्रयोजन ही क्या है, खल निग्रहाय, दुष्टों का दमन करना। श्री आचार्य चरण सुबोधनी में समझाते हैं कि नाग पत्नियों का यह आशय है कि हमारे पति 3 प्रकार के जो दोष हैं, हमारे पति के अंदर रहे हुए जो 3 प्रकार के दोष हैं वह नष्ट हो जावें। एक तो है सहज दोष जो देह के साथ उत्पन्न हुआ, वे दोष अतः उसको स्वाभाविक दोष कहा जाता है। दूसरा तमो व अज्ञान रूप दोष, जिसके चलते ये कालिया प्रतिदिन अपने विष से प्राणियों का नाश करता था। और तीसरा दोष भगवान को दंश से पीड़ा पहुंचाना, उनको लपेट लेना, यह अपराध कालिया ने किया, यह तीसरा दोष है। नागपत्नी कहती है, प्रभु ये कालिया को आपका दंड देना ये वास्तव में प्रभु आपका अनुग्रह ही है। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मशापः यद्दण्डशूक त्वममुष्य देहिना क्रोधापि नेनुग्रह एव सम्मत। क्योंकि प्रभु आप ही सबकी आत्मा हैं, आपकी दृष्टि में भेद नहीं है, यह अनुग्रह भी साधारण नहीं अपितु विशेष अनुग्रह है। और ये कालिया पे तो आपका कितना अनुग्रह है कि आपके चरण रज इसके ऊपर विराजमान है। ननाक पृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पादरजं प्रपन्ना कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्ग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः
यद्वाच्छ छाया श्रीललनाचरो तपो विहाय कामान सुचिरं द्रुतव्रता। श्री आचार्य चरण नाग पत्नियों के द्वारा की गई स्तुति का बड़ा मधुर भाव बता रहे हैं। नाग पत्नी कह रही हैं, इन चरणों के पलोटने की वांछा से लक्ष्मी को तो बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। उन श्री चरणों की शरण में जब भक्त आ जाता है तो उनको ब्रह्मा का ऐश्वर्य, सार्वभौम पृथ्वी का वैभव, रसातल के आधिपत्य, योग सिद्धियां, कोई भी अन्य वस्तु उस जीव को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। क्योंकि जब प्रभु आपके चरण रज मिल जाए फिर उसके लिए और क्या बाकी रह गया। निष्काम भक्तों के लिए भी दुर्लभ ऐसी चरण रज आपने कालिया को दंड देने के लिए उसके सिर पर आपने प्रभु पधरा दी है, यह आपका दंड है। तो हे कृष्ण, हम ये विचार कर रही हैं कि तो आपकी कृपा कैसी होगी, अगर इसको आप दंड कहते हैं तो फिर आपकी कृपा। जहां ये नागपत्नियों के वचन भगवान ने सुने तो आप विचारने लग गए कि हाँ ये बात तो सत्य है, मेरी चरण रज प्राप्त करने के लिए तो बहुत लालायित जीव रहते हैं, आज ये कालिया के माथे पे है तो मैं ये इसको दंड दे रहा हूं कि मैं इस पर कृपा कर रहा हूं, इनका कहना तो सत्य है। तो आपने क्या किया, नाग फणा से आप नीचे उतर गए और अपने हाथों को उसके ऊपर पधरा दिया, हाथों से प्रहार करने लग गए। ये दर्शन करके नाग पत्नियां कहने लगी, वाह प्रभु, आज कालिया के सिर पर आपका हाथ रखकर तो आपने उस कालिया पर अति कृपा कर दी, क्योंकि जिसके सिर पर श्री ठाकुर जी का हाथ हो जाए उसका भला जगत और क्या बिगाड़ सकता है। हे प्रभु, ये कालिया, ये हमारे स्वामी, इससे महद भाग्यशाली तो और कोई है नहीं। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार के वचन कहे तो भगवान कहने लगे, अरे मैं चरणारविंद पधराता हूं तो तुम कहते हो मैं कृपा कर रहा हूं, मैं हाथ पधरा रहा हूं तो तुम कह रहे हो कृपा कर रहा हूं, तो फिर मैं अब करूं क्या, इसको मैं दंड कैसे दूं, तुम ही बताओ। चरण पधराए तो कृपा, हाथ पधराए तो कृपा। नाग पत्नियां कहती हैं, श्याम सुंदर, प्रभु आपको तो दंड देना आता ही कहां है, आपको तो केवल और केवल सिर्फ कृपा करना ही आता है, सिर्फ आपको कृपा करना ही आता है, सिर्फ कृपा करना आता है। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि देखिए ये कालिया जीव है और कृष्ण ब्रह्म है, भगवान का स्वभाव कृपा करना है और जीव का स्वभाव दुष्टता करना है, जीवा स्वभावते दुष्टा। यह जीव यानी यह कालिया अपने स्वभाव से काम कर रहा है और प्रभु अपने स्वभाव से कार्य कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श और दुर्लभ चरणों की रज ये कालिया को दी, और कालिया ने क्या दिया प्रभु को, फनों की फुंकार, विष प्रभु को दिया। यानी कालिया के स्वभाव में क्रोध है और भगवान के स्वभाव में कृपा है। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, वस्तुतः स्वभावतः जिसके पास जो वस्तु होती है वो उसी को अन्य को प्रदान कर सकता है। भगवान के पास दुर्लभ चरण रज है और कालिया के पास दुर्जर विष है, तो भाव ये है, प्रभु ये बात, ये संकेत देना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी अहंता ममता है उसे लेकर तुम मेरी शरण में आ जा, तुम जिस जागतिक विषय में वासना में फंसे हुए हो वह विषय ही मुझे समर्पित कर दो, तुम्हारे ऐसा करने पर मैं अपनी चरण रज तुम्हारे सिर पर पधरा दूंगा, अपने श्री चरण तुम्हारे सिर पर मैं रख दूंगा। यानी तुम्हारे पास जो भी विषय वासना है भगवान को समर्पित कर दो। यह श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी के अंतर कालिया को विषयाशक्ति स्वरूप बताया है, विषयों के प्रति हमारी रही हुई जो आसक्ति है, विषयाशक्ति, इंद्रियों को विषयों के प्रति जो रुचि है, आंखों को देखना अच्छा लगता है, कान को सुनना अच्छा लगता है, जिह्वा को स्वाद अच्छा लगता है, ये सब हमारे इंद्रियों के विषय कहे जाते हैं। और इन विषयों के चलते क्या होता है, हृदय रूपी जो घट में जो भक्ति रूपी जो यमुना है वो दूषित होती जाती है। अब प्रश्न यह है कि ये आंख देखना क्या बंद कर दे,
कान सुनना बंद कर दें, जीवा स्वाद लेना बंद कर दें, ये तो संभव नहीं है। इंद्रियां हैं, उसकी वृत्तियां हैं, लेकिन उन वृत्तियों को छोड़ना नहीं है। हम उन वृत्तियों को भगवान में जोड़ तो सकते हैं। पुष्टि मार्ग प्रिय जनों जोड़ने का मार्ग है। आपकी पूरी विषय शक्ति श्री ठाकुर जी में जोड़ दो। इसका मतलब सीधा अर्थ यह है, आपको जो पसंद है उससे ठाकुर जी की सेवा करो। आपको जिस विषय का शौक है, आपके शौक में वो श्री कृष्ण शामिल होने चाहिए। सरलता से एक प्रसंग के माध्यम से इस विषय को समझा जाए। विषयाशक्ति जोड़ने का मतलब, एक प्रसंग आता है कि एक कोई वैरागी श्री गोसाई जी के पास आया, कहने लगा मुझे ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा है, आप मुझे सेवा पधरा दें। श्री गोसाई जी पूछते हैं तुझे किसका शौक है, तो कहता है मुझे तो कोई शौक नहीं है, मैं तो वैरागी हूं। तो आपने आज्ञा करी तो बैठ, तो कुछ सोच विचार के ठाकुर जी पधराएंगे। और फिर दूसरो वासव में एक वैष्णव आयो, वाने कही जिराज मुको भी सेवा करवे की इच्छा है, ठाकुर जी पधरा दो। आपने वाको पूछी तो कुका है को शौक है, तो कहने लगा जिराज मुझे खाने पीने में बड़ी रुचि है। अच्छा, तुरंत उसको ठाकुर जी पधरा दिए। वो वैरागी सोचने लगा, रहा नहीं गया, पूछा मैं वैरागी, मुझे कहीं ये खाने पीने में रुचि ऐसी कोई आसक्ति नहीं है, मुझे सेवा नहीं पधराई, उसको पधरा दी, ऐसा क्यों? तो श्री गोसाई जी क्या आज्ञा करते हैं, आप श्री आज्ञा करते हैं, तू तो बैरागी है, तू मेरे ठाकुर जी को का लालन पालन करेगो, का लाड़ लड़ाएगो, लेकिन ये याको खावे पीवे को शौक है, तो सुंदर सुंदर सामग्री सिद्ध करेगो, ठाकुर जी को धराएगो, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएगो, मेरे ठाकुर जी के प्रभु के सुख को विचार करेगो, तू बैरागी मेरे प्रभु को कैसे लाड़ लड़ा सके। यानी इस प्रसंग से क्या हमें ज्ञात होता है कि पुष्टि मार्ग वैरागियों का मार्ग नहीं है, पुष्टि मार्ग तो शौकीनों का मार्ग है। शौक होना चाहिए, जिसको जितना ज्यादा शौक पुष्टि मार्ग में वो इतना आनंद ले सकता है, और जिसको शौक नहीं है तो फिर क्षमा सॉरी पुष्टि मार्ग में उसकी कोई गति नहीं है। जिसको जितना ज्यादा शौक, एक शायर ने अच्छी बात करी कि भक्त कैसे होवे कि जिसे ऐश में यादे खुदा ना रहा और जिसे तैश में खोफे खुदा ना रहा। ये भक्त है, भक्त के विचार, भक्त की चिंतन यात्रा क्या, कि जिसे ऐश में यादे खुदा ना रहा। आप ऐश कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, अच्छे अच्छे खान पान आप कर रहे हो, लेकिन वहां में यादे खुदा ना रहा, आपको ठाकुर जी की याद नहीं आई। चलो आज ये चटाका बना लें, आज ये खा लें, आज ये खा लें, और ठाकुर जी को तो रोज मिस्री मिस्री मिस्री। जिसे ऐश में यादे खुदा न रहा वो भक्त नहीं हो सकता। लेकिन विचार आवे, चलो सुंदर आज इच्छा है ठाकुर जी को, सुंदर नई सामग्री धराई जाए, और प्रभु को सामग्री धराओ और पीछे आप भी ग्रहण करो, प्रसाद रूप में लो, कोई आपत्ति थोड़ी है। शौकीनों का मार्ग पुष्टि मार्ग है, लेकिन आपके शौक में कृष्ण शामिल होना चाहिए। जिसे ऐश में याद है खुदा न रहा और जिसे तेश में, यानी जब आप गलत कार्य कर रहे हो उसमें खौफे खुदा न रहा, उसमें खौफ न रहा, अरे मैं ये अनिति को काम करूंगो, मेरो ईश्वर भले वाकू पता चले कि नहीं चले, लेकिन मेरो ईश्वर जाने हैं, मेरी अंतरात्मा मुको ये करवे की मना कर रही है। जब ये आपकी अवस्था नहीं है तो आप भक्त नहीं हो। घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, चलो वेकेशन आया, घूम के आते हैं, ठाकुर जी पधरा दिए वैष्णव के वहां पे, और घूम घाम के पिकनिक मना के आ गए, ठाकुर जी को वापस घर में पधराए, दंडवत करी और कहवे लगे, प्रभु आपकी ये बनाई हुई दुनिया तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी आपने ये दुनिया बनाई है, अद्भुत है, दंडवत किया आपने, आप कृतज्ञ हो सकते हो, आप भक्त नहीं हो सकते। भक्त तो वो है, वो क्रिया करने में इसलिए आनंद आ रहा है कि कृष्ण उसके साथ है। जिसे ऐश में यादे खुदा न रहा और जिसे तैश में खोफे खुदा न रहा। आपको अच्छी सुगंधि का शौक है, ठाकुर जी के लिए अच्छे से अच्छे अत्तर लाओ। आपको अच्छे वस्त्र पहनने का शौक है, ठाकुर जी के लिए भी नूतन रोज के चीर लेके आओ।
पर अपने लिए अपने आप को सजाने सवारे में लगे रहे, लेकिन ठाकुर जी में अपने में रमन चमन, પોતાના માટે રમન ચનમન અને ઠાકોરજી માટે વેઠ, લેકિન સેવા કરી નાખી. અરે નાખવાની નથી, સેવા કરી નાખી. આજની સેવા કરી નાખી, સેવા નાખવાની ન હોય, સેવા કરવાની હોય. આપકો વસ્ત્ર કા શોખ હૈ ઠાકોરજી કે લિયે, આપકો ખાને પીને કા શોખ હૈ, ક્યોંકિ યે હમારી ઇન્દ્રિયો કા વિષય હૈ. इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम जोड़ने का प्रयास तो कर सकते हैं, उन विषयों को जोड़ना. और जो ठाकुर जी को इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं सर्व वस्तु समर्पणम, और जो समर्पण किए बिना उन विषयों को सीधा आपने ग्रहण कर लिया, तो उससे क्या होगा, आपके हृदय में रही हुई जो भक्ति रूपी जो यमुना है, वो विषय जैसे यमुना जी में वो कालिया सर्प अपने विष से यमुना जी को दूषित कर रहा था, जिससे ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, उसी प्रकार से ये विषय वासना हमारे हृदय रूपी जो यमुना है, भक्ति है, उसको दूषित कर देते हैं. तो ये कालिया, इसकी फणा, ये विषय, ये शुद्ध कैसे हो. कालिया के मस्तक पर आपने चरणारविंद पधराए, और चरणारविंद पधराकर मर्दन करके ये बताया कि जो विषय वासना को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसकी भक्ति शुद्ध हो जाती है, मैं उसको स्वीकार करता हूं. और भगवान ने तो गीता में कहा, ये पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो में वक्ता प्रयच्छति, जो जीव जो मुझे प्रेम से स्वीकार करता है, मुझे धराता है, मैं उसका स्वीकार करता हूं. तो विषयों को भगवान में जोड़ो, ये आवश्यक है. और विषयों को भगवान में जोड़ने का मतलब एक चीज और समझ जाइए. आज मुझे पिज्जा खाने की इच्छा हो गई, चलो ठाकुर जी को पिज्जा धरा दूं, ये नहीं है. विषयों को भगवान में जोड़ने का मतलब हमारी लौकिकता में भगवान की अलौकिकता मिल जाए, ऐसा नहीं. भगवान की अलौकिकता में हमारी लौकिकता मिल जानी चाहिए. इस बात का चिंतन करना, मैं ठाकुर जी के लिए क्या सिद्ध करूं, प्रभु को किस में सुख मिलेगा, प्रभु को किस में आनंद आएगा, किस प्रकार से ठाकुर जी को भक्तजनों ने गोपीजनों ने रिझाया, प्रसन्न किया, उस बात का चिंतन करते हुए सेवा करना, समर्पण करना. नहीं तो आज मुझे ये इच्छा हो गई, ये धरा दिया, तो ये एक विषय वासना हो जाती है. हमारी लौकिकता में प्रभु की अलौकिकता. लेकिन धीरे धीरे प्रयास के अभ्यास से तो कौनते है? जो भी घर में सिद्ध हो, शुद्धता घर में रखें, आचार विचार का ध्यान रखें, और जब हमारी ये जो इंद्रियों के जो विषय हैं, ये विषय वासना प्रभु में समर्पित हो जाए, चरणारविंद में, तो ये यमुना यानी ये भक्ति शुद्ध बन जाती है. विशुद्ध मथुरा तटे. तो ये विषयाशक्ति स्वरूप ये कालिया, जिसका भगवान ने मर्दन किया, और आपके चरण स्पर्श प्राप्त होकर आपने आज्ञा करी कि अब तो निर्विघ्न है, अब तुम ये यमुना जल छोड़कर निकल जाओ. विषयाशक्ति स्वरूप ये कालिया, कालिया मर्दन के पश्चात अत्यंत विलंब हो जाने के कारण रात्रि के समय सब ने श्री यमुना तट पर ही विश्राम किया. उस रात्रि में बांसों के रगड़ से दावानल अग्नि प्रकट हो गया, और उस अग्नि का पान कर भगवान ने सबके रक्षा करी, सबके प्राणों की रक्षा करी. श्री आचार्य चरण यह दावानल पान, इसको प्राणाध्यास स्वरूप आप बताते हैं. आचार्य श्री सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि इंद्रिय तथा प्राण का परस्पर संबंध मिला हुआ है. ध्यान दीजिए इस विषय पे, अगर एक का दोष निवृत्त भी हो जाए तो दूसरे का दोष उसका कार्य कर देता है. जैसे जिह्वा इंद्रिय का धर्म, जो जिह्वा रूपी जो ये इंद्रिय है उसका धर्म क्या है, स्वाद. भोजन में जब रुचि से जब भोजन किया जाता है तो प्राणों के धर्म बल की वृद्धि होती है. तो इस प्रकार इंद्रिय और प्राण का परस्पर संबंध है. श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं जिससे दोनों के दोषों के साथ निवृत्त करना आवश्यक है. तो भगवान ने इस लीला से सबके दोष मिटाए. जैसे कि प्राणियों का प्राण जानने का भय था, जितने भी वहां पे प्राण ही थे उनके अंदर मृत्यु का भय था, वह मिट गया, क्योंकि वास्तविकता में भगवान ही सबके प्राण आधार हैं. लेकिन सांसारिक प्रपंच में अपने प्राणों को फंसाकर
जो जीव के अंदर एक प्रकार का ताप, जैसे संसार में कोई भी चित्र विचित्र घटना घटती है, हे राम अब क्या होगा, अपने प्राणों को जलाते हैं, वो प्राणाध्यास स्वरूप है। वास्तविक में इस प्राण के आधार श्री ठाकुर जी हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, भगवान मर गए। अरे मर कहां से गए? तो ये सांसारिक प्रपंचों के चलते जो प्राण हमारे संसार में फंसे हुए हैं, और वो संसार में फंसे हुए प्राण के चलते क्या है, वो दावानल स्वरूप है। जैसे दावानल अग्नि कैसी है, ऐसी आग जो बुझे ना बुझे, कितना बुझाने का प्रयास किया लेकिन बुझी नहीं। तो जब सांसारिक प्रपंच में आप अपने अंतःकरण को फंसाकर रखोगे, मन को फंसाकर, अपने प्राणों को फंसाकर रखोगे कि ये कार्य होगा तो मेरा भला हो जाएगा, और इन सब विषयों का चिंतन करते हुए आपके प्राण सदा दावानल के जैसे जलते ही रहेंगे। वास्तव में केवल और केवल श्री कृष्ण की शरणागति, ये मुख्य इस विषय का कहने का आशय है। तो भक्तों के अंदर रहा हुआ प्राणाध्यास दावानल पान कर उसकी आपने निवृत्ति करी। आगे 18वें अध्याय में सुबोधनी जी के आधार पर 15वां अध्याय प्रलंबासुर का चरित्र का वर्णन किया गया। प्रलंबासुर का वध बलराम जी के द्वारा भगवान ने करवाया, जिसका कारण श्री आचार्य चरण बताते हैं कि भगवान को शिक्षा देनी कि जिसमें मेरे भक्त का यानी मेरा आवेश होता है, उस भगवदीय संग में अंतःकरण दोष की निवृत्ति हो जाती है। बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर का उद्धार, और उस समय बलराम जी के अंदर भगवान आविष्ट हैं, यानी भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि जिस भक्त में मेरा आवेश है, यानी जो भगवदीय वैष्णव है, उस वैष्णव के आप जब हम संग करेंगे तो वो संग के चलते क्या होगा, अंतःकरण का जो दोष है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि अंतःकरण का दोष कैसा है, प्रलंबासुर जैसा है। प्रलंब लंब और आगे प्र उपसर्ग, यानी बहुत ही लंबा, बहुत लंबा असुर, यानी ये अंतःकरण के दोष कैसे हैं, बहुत लंबे हैं। जैसे हम यहां पर बैठे हैं लेकिन मन कहां चला जाता है, आप बैठे यहां दूर, आप जिस घर को छोड़कर आ गए, यहां बैठे हुए भी लेकिन वहां संसार का चिंतन, ये क्या हुआ, अंतःकरण दोष, जिसको श्री आचार्य चरण ने सुबोधनी में अंतःकरणाध्यास बता दिया है। अब ये अंतःकरण दोष की निवृत्ति कैसे हो, अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, तो ये बलराम जी के द्वारा, यानी भगवदियों का जब संग जीव करता है तो भक्तों के संग के द्वारा अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है। सीधे अर्थ में प्रिय जनों, सत्संग करो, सत्संग का नित्य आग्रह रखो, सत्संग से ही हमारा मन शुद्ध होता है, सत्संग से ही हमारा मन पवित्र होता है। सत्संग वो आसन है जिस पर श्री ठाकुर जी विराजते हैं, नित्य सत्संग होना चाहिए। जिस प्रकार से जल पीना, भोजन करना, ये सब हमारा कर्तव्य नहीं है, ये सब हमारी आवश्यकता है, उसी प्रकार से प्रियजनों सत्संग करना, इसको केवल कर्तव्य के रूप में मत देखो, क्योंकि कर्तव्य बोध केवल कई बार जड़ हो जाता है, लेकिन उसको आप अपनी आवश्यकता के रूप में देखो। समय हो जाए पानी पी लो, ये कोई कर्तव्य थोड़ी है, ये हमारे देह की आवश्यकता है। उसी प्रकार से सत्संग, ये हमारे हृदय में रहे हुए भाव की आवश्यकता है। यानी नित्य सत्संग करो, सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा सेवन करो, सदा, 8 दिन में एक बार नहीं, एकादशी पे ही नहीं, नित्य होना चाहिए। और नित्य सत्संग होगा क्योंकि हमारा मन, 3 द्वार हैं, आंख कान और मुख, इन 3 द्वारों से हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है। जैसे कुछ न देखने जैसा देख लिया, आंखों से मन दूषित होता है, न सुनने जैसा सुन लिया, कानों से मन दूषित हो जाता है, न खाने जैसा खा लिया, जिसके चलते मन दूषित हो जाता है। अब ये दूषित मन को शुद्ध कैसे किया जाए, बाहर के शरीर को तो रगड़ रगड़ कर साबुन से घिसते हैं, देह को तो कितना स्वच्छ करते हैं, अच्छी बात है, साबुन लगाया, शैंपू लगाया, कंडीशनर लगाया, ये वो फलाना ढिकना, कितनी सब चीजें,
हमारे बाल अच्छे रहें, सॉफ्ट रहें, मुलायम रहें, ये उसमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। लेकिन साथ में हमारा मन कितना कोमल है, मन कितना सुंदर है, हृदय कितना शुद्ध है, हृदय सुंदर है कि नहीं, उसको कैसे निलाया जाए। वो जल से, भौतिक जल से तो शरीर शुद्ध होता है, लेकिन सत्संग रूपी अमृत से मन हमारा शुद्ध हो जाता है। तो सत्संग करो रोज, प्रियजनों नियम रखना, श्रीमद भगवद गीता श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। अरे एक श्लोक, आप इतने कितने व्यस्त हो सकते हो कि एक श्लोक पढ़ने का 15 मिनट एक वार्ता जी पढ़ने का समय ना निकाल पाए हम। ऐसी व्यस्तता क्या काम की। हम अपने आप को कितने लौकिक में व्यस्त कर देते हैं, कितनी गुलाम, इसको तो गुलामी कहा जाता है। भले उसके अंदर 50 आदमी 100 आदमी नीचे अंडर में काम करें, लेकिन फिर भी वो तो गुलामी हुई ना, जो वो समय ना निकाल पाए, उसको तो गुलाम कहा जाता है कि हम समय ही ना निकाल पाए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे ऐसा, ये तो गुलामी हो गई। ये गुलामी के लिए जीवन नहीं मिला है, ये जीवन तो आनंद करने के लिए मिला है। और यह आनंद प्रियजनों भगवद कथा से जीवन जीते हुए कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, कई ऐसे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखना, जो आपके अंदर आध्यात्म बल होगा, आपने जो नित्य सत्संग आप करते होंगे, तो उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का रास्ता वो सत्संग करेगा। सत्संग केवल आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए ही लाभ रूप नहीं है, आपके आदि भौतिक जीवन के लिए भी वो वरदान रूप है, ये याद रखिएगा। केवल आध्यात्मिक जीवन सुधारे ऐसा नहीं है, आपके आदि भौतिक जीवन को भी। श्रीमद भगवत गीता, भागवत, रामायण, ये 84-252 वैष्णव शिक्षा पत्र, जिससे हमारे भाव सुदृढ़ित हो, मन हमारा मजबूत हो। आत्म जो जो स्थिति की बात करी है भगवान ने गीता जी में, स्थित प्रज्ञ की जो बात है, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो मन को जो शुद्ध करने वाला वो क्या है, भक्तों का संग, यानी भगवदियों का संग, वैष्णवों का संग, 84-252 वैष्णवों का संग नित्य करते रहिए प्रियजनों। उससे क्या होगा, हमारा अंतकरण यानी ये प्रलंबासुर का वध होगा। प्रलंबासुर के वध के बाद आगे 19वें अध्याय में पंचम पर्व रूप अविद्या का एक पर्व स्वरूप विस्मृति, जिसका प्रकट रूप दावाग्नि है और उसके नाश के अनंतर ही निरोध सिद्ध हुआ। ब्रज भक्तों को यह ज्ञान हुआ, भगवान की लीला में उपयोगी श्रवण तथा आचरण करना चाहिए तथा विपरीत का त्याग करना चाहिए एवं दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यह संपूर्ण ज्ञान यह दावाग्नि पान के द्वारा भक्तों को हुआ। इसके पश्चात प्रियजनों आगे वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है 20वें अध्याय में। ग्रीष्म ऋतु निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ। श्री आचार्य चरण भाव बता रहे हैं कि ग्रीष्म माने श्री कृष्ण विरह ताप और वर्षा माने कृपा, अर्थात जीव के अंतस में प्रथम जब श्री कृष्ण विरह का ताप व्याप्त होता है, तभी कृष्ण कृपा रूपी वर्षा में वह स्नापित हो सकता है। वर्षा ऋतु का वर्णन हमारे भगवदियों ने बड़ा सुंदर किया है। जब वर्षा ऋतु आई, ग्रीष्म में तो इतना घाम पड़े, लेकिन वर्षा ऋतु आने से जितने भी कुंड थे, वह कुंड सब जलाशयों से, सब ऐसे सुंदर जल उसमें भर गए। गिराज जी पे से सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, लता पताएं हरी भरी, खेतों में भी जो फसलें हैं मनुष्य के आकार की, इतनी बड़ी बड़ी फसलें, ऐसे सुंदर कंद मूल पुष्प, श्री ठाकुर जी वन विहार के लिए श्री गिरिराज जी पे पधारे, श्री गिरिराज जी के कुंड में आप स्नान करें, सखाओं के साथ आप आनंद विहार करें, श्री गिरिराज जी उनको कंद मूल आरो गावे, और ऐसा वन विहार में वर्षा ऋतु तो ऐसे ही आनंदित प्रफुल्लित करने वाली है, प्रेमी जनों की ऋतु है। ठाकुर जी वन विहार करें, भगवती आपकी लीला का गान करें। गोवर्धन पर मुरवा बोले, आप श्री के मुखारविंद से
श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। आप श्री ने आज्ञा करी कि जिसे एश में यादे खुदा न रहा और जिसे तेश में खोफे खुदा न रहा, तो आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं कृपानाथ कि माना हमें एश में यादे खुदा न रहा, माना हमें एश में यादे खुदा न रहा, और रहमत है आपकी हमें दीदारे खुदा कराया, रहमत है आपकी हमें दीदारे खुदा कराया। क्यों कि श्री कृष्ण ही गोलोक धाम से, श्री कृष्ण ही गोलोक धाम से श्री बल्लभ बनकर आए, श्री कृष्ण ही गोलोक धाम से श्री बल्लभ बनकर आए, और हम जीवन की सुध लेवे को उनने तुम्हें पठाए, हम जीवन की सुध लेवे को उनने ही तुम्हें पठाए, और उन दोनों स्वरूपों का दिखता श्री वल्लभ कुल में अक्ष है, उन दोनों स्वरूपों का दिखता श्री वल्लभ कुल में अक्ष है, आप ही हमारे ब्रजेश हैं, आप ही हमारे ब्रजेश हैं। राजू जी, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की, बल्लवा अधीश की, वैष्णवो सामड़ो, वैष्णवो सामड़ो, काले सवारे यात्रा आई थी 6 बजे रमण रेती में सभी वैष्णव रमण विहारी ना दर्शन करी, रमण रेती में रमण करी, आगे गोकुल गांव में बड़ी बैठक जी पर झारी जलसवस, सैन मंदिर की बैठक जी पर दंडवत, वहां से नीचे प्रथम ब्रह्म संबंध की बैठक पर दंडवत करके ठकरानी घाट पर पान करके मनोरथ के दर्शन 10:30 पर खुलेंगे। सभी वैष्णवों को सूचित किया जाता है कल यात्रा सुबह यहां से 6 बजे रमण रेती में रमण बिहारी के दर्शन, रेती में सभी वैष्णव रमण करेंगे, उससे आगे गोकुल गांव में श्री महाप्रभु जी की बड़ी बैठक पर झाड़ी चंद, वहां से नीचे उतर के श्री महाप्रभु जी के प्रथम ब्रह्म संबंध जो वैष्णव को दिया है वो बैठक में दंडवत करके ठकरानी घाट पर यमुना जी का पान करके आगे चिम्मनलाल जी महाराज श्री के बगीचा में जय श्री यमुना जी के कुंडवाड़े के दर्शन करके 10:30 पर दर्शन खुलेंगे। सभी वैष्णव वापस पलपाल पे आएंगे। सभी वैष्णवों को महाराज श्री के पुरोहित राजू चौबे की जय श्री कृष्ण, बोल यमुना मैया की जय। कल 10:30 बजे का समय दर्शनों का है, अतः आप सबको 10:30 बजे यमुना जी के कुंडवाड़े के दर्शन करना है। जो भी वैष्णव कुनवाड़े में अपनी सेवा पधराने से वंचित रह गए हों, वो अभी भी कार्यालय में सेवा पधरा सकते हैं। इसी के साथ पेन ड्राइव श्रीमद् भागवत कथा की एवं यात्रा की 1500 रुपया उसकी न्योछावर है, 1500 रुपया एक की। जो भी वैष्णव लेना चाहें वो ले सकते हैं। गिरिराज जी की पूजा में दूध सामग्री जो भी पधराना चाहें, क्योंकि परसों गिरिराज पूजन का हमें आनंद लेना है, तो जो भी वैष्णव पधराना चाहें वो पधरा सकता है। इसी के साथ आज के हमारे मनोरथ के मनोरथी हैं, उनका मैं नाम बोलूंगा यहां से, वो कृपया यथाशीघ्र आएंगे, और आप श्री यहां पर विराजमान हैं, आपसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। यमुना सत्संग मंडल मोरवी, यमुना सत्संग मंडल मोरवी के जो भी अध्यक्ष मंत्री हैं कृपया यहां पर पधारें और आप श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। गोलोकवासी मुक्ताबेन और सौजी भाई पाटलिया राजकोट, ये भी आज के मनोरथ के मनोरथी हैं, इनके जो भी हों परिजन वो यहां पे पधारें और आप श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें।
श्री चिमन भाई फलदू, आप भी आज के मनोरथ के मनोरथी हैं। श्री चिमन भाई फलदू, आप भी आज के मनोरथ के मनोरथी हैं। इसी के साथ वैष्णव महाप्रसाद के मनोरथी गीताबेन भरतभाई अहमदाबाद, गीताबेन भरत भाई अहमदाबाद, रमेश भाई खूंट मोरवी, रमेश भाई खूंट मोरवी, आज बैठक जी पर तपेली के मनोरथी हैं। कांति प्रसाद जी, अशोक जी महेश्वरी, भाई साहब नंद किशोर जी राठी, भाई साहब श्यामदास जी राठी, गायत्री जी बीसानी, कुसुम जी और हेमा जी शुपरी वाले, आप पधारें और आप श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैंने जिनके भी नाम बोले हैं वो यहां पर विराज रहे हैं, तो कृपया आप श्री से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। भाई साहब श्याम जी राठी, श्री निधि रेसिडेंसी वैष्णव मंडल सूरत, श्री निधि रेसिडेंसी वैष्णव मंडल सूरत, इनके जो भी अध्यक्ष मंत्री हैं वो यहां पर पधारें और आप श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। संध्या जी, निशा जी, राधिका जी और सुनीता जी छबड़ा से जो पधारी हैं, आप श्री से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आज की ये बैठक जी की तपेली की मनोरथी हैं। कृपया जल्दी से आ जाए तत्परता दिखाते हुए। हाँ, भूल सुधार लीजिए, ये मैंने जो महाप्रसाद मनोरथी बोले थे रमेश भाई खाट हैं, मोरवी के आप निवासी हैं, कृपया भूल सुधार लें। संध्या जी, निशा जी, संध्या जी जावंदिया वन खेड़ी, संध्या जी जावंदिया बड़ खेड़ी, संध्या जी, निशा जी, राधा जी, सुनीता जी छबड़ा परिवार, आगेश्वर परिवार की ये चारों पुत्रियां अब पधारें।
वैष्णव मंडल बस नंबर 36 के जो भी नेतृत्व करता है यहाँ पर आकर आशीर्वाद ग्रहण कर लें। बस नंबर 36 के, इसमें बस नंबर 36 लालोनी एवं जो भी वैष्णव थे उन सबकी तरफ से जो है ये आज जो है बैठक जी पर तपेली करवाई गई थी, उसके जो भी प्रमुख हो वो आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री चंदू भाई, अशोक भाई, पुरुषोत्तम भाई सूरत, श्री चंदू भाई, अशोक भाई, पुरुषोत्तम भाई सूरत, चंदू भाई, अशोक भाई, पुरुषोत्तम भाई सूरत, कृपया आप जल्दी से जो है पधारे, फिर हमें जो है आज रास के भी दर्शन करना है, आज रास का सुंदर मनोरथ है। यह संध्या का समय और निशा जी को तो आना ही चाहिए, क्योंकि अब निशा का ही समय आने वाला है, क्योंकि संध्या के बाद निशा ही होती है। चंद्रप्रभा नूतन बेन, जो बस नंबर 36 में चंद्रप्रभा नूतन बेन, हाँ चंदू भाई, अशोक भाई, पुरुषोत्तम भाई सूरत, उसके बाद आज मुकाम पर जो तपेली वैष्णवों ने करवाई है, सूरज जी बंसल, ज्योति दिनेश जी अग्रवाल खंडवा, सूरज जी बंसल, ज्योति दिनेश जी अग्रवाल खंडवा, कृपया यथाशीघ्र आप मंच पर पधारें और आप श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। यह तो बड़े सौभाग्य का विषय है, आपको यह सौभाग्य मिल रहा है कि आप जो है आप श्री के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ज्योत्सना बेन, राजेश भाई ढूंढानी, किरण सरोज बेन, किरण भाई ढूंढानी, ज्योत्सना बेन, राजेश भाई ढूंढोनी, किरण सरोज बेन, किरण भाई डूडोनी, और अब हमारे जो मनोरथी परिवार है आकोला की सम्माननीय बहने एवं शिवन भाई फलदू एवं उनका परिवार आएंगे और आरती करेंगे और सभी जो है इनके जो है हाथ लगाएंगे। आप आवें और आरती में सम्मिलित होवें। कल समय का ध्यान रखें और माला पेरावनी जिन वैष्णवों को कराना है वो कृपया कार्यालय में संपर्क करें। बोलो वल्लभाधीश की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाव, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाव, आरती गाव प्यारे तुझ को रिजावू, बांके बिहारी तेरी आरती, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में बली बली जाव, बांके बिहारी तेरी आरती गाव।
सबके प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, बाके भी भरे तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे, जे जन शरण आए अनुसरई ग्रही सोपत श्री गोवर्धन नाथ, परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भव धारा वयो जात, भजो कृष्ण दास काज सब सरही जो जाने श्री विठल नाथ, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज करत कृपा निज हस्त दे माथे। बोलो वल्लभाधीश की, श्री वल्लभाधीश की, राजन पत राजा क्या हो गया, राजन पत राजा महाराजा धराज अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की, जगत गुरु गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज की, श्री हरि राय जी महोदय श्री की, श्री दर्शन कुमार जी प्राण प्यारे की। अब आप सभी जिन्हें परिक्रमा करना है भागवत भगवान की परिक्रमा करके, और आप शांति से जो है सभी मनोरथ के दर्शन करेंगे, आप श्री के वहां पर नित्य की तरह चरण स्पर्श होंगे और आप सभी शांति से चरण स्पर्श करेंगे एवं मनोरथ के दर्शन करेंगे, रास गरबा जिन्हें करना है वो रास करेंगे।